असलम जी नए एपिसोड में खुशाम अदीद और ये है सीज़न टू और सीज़न टू के बीच में इतना ब्रेक आ गया कि अब मैं तो भूल ही गया हूँ कि पॉडकास्ट कैसे करना है मेरे साथ जो आज मेहमान मौजूद हैं वो उनका थोड़ा सा पर्सनालिटी का करिज्मा भी ऐसा है कि उन्होंने मुझे कहा कि आप ऑन कैमरा बोल दें कि आप पॉडकास्ट नहीं कर पाएंगे मेरे साथ कैसी हैं कोमल आप खैरियत से ऑल द वे फ्राम जर्मनी ठीक हूँ आप कैसे जबर्दस, हैं जबरदस्त जबरदस्त तो कैसे ट्रीट कर रहा है पाकिस्तान आपको भी आपने वोट, वोट डाला आपने? नहीं मेरा आजाद कश्मीर से है हमारा पाकिस्तान में वोट नहीं होता फिर क्या होता है अगर मैं किसी पाकिस्तानी आदमी से शादी करूँ और फिर मेरा शनाख्ती कार्ड चेंज हो फिर मैं पाकिस्तान में वोट डालने की अहल हूँ वरना वहाँ पे मेरे वोटिंग लिस्ट में ही मेरा नाम नहीं है अच्छा एंड दैट वाज अ ब्लेसिंग एक्चुअली नहीं तो आप चाहती हैं कि आप फ्यूचर में वोट करें या आपका कुछ ऐसा ही इरादा या एलेक्टरल प्रोसेस का ज़ाहरा हिस्सा तो मैं बनना चाहती हूँ बिकॉज दैट इज़ द वे जिस के थ्रू जो है वो एक पब्लिक इंगेज करती है स्टेट मशीनरी के साथ बट वेन आई थिंक ऑफ के किन लोगों के लिए वोट करना है और किसको अलेक्ट करना है दैन तब फिर मुझे ऐसा लगता है कि इस इस राइट right को मुझे बहुत थाटफुली uh, यूज़ करना चाहिए एंड द बेटर डिसीजन आई वुड टेक के मैंने नहीं करना वोट तो पाकिस्तान में कोई आपको ऐसी पोलिटिकल पार्टियाँ नहीं दिखा कि आप उनको वोट करें Uh, जितने भी हैं अमंग uh, तो uh, mm -hmm. दूसरा ये कि क्योंकि हमारा आजाद कश्मीर का पॉलिटिकल सिस्टम पैरेलल तो नहीं कह सकते लेकिन इसके बाद आता है वो सारी सेटिंग कुछ इस तरह से होती है कि हमारे अपने इलेक्शंस होते हैं और फिर अपना प्राइम मिनिस्टर है और प्रेसिडेंट है उसकी वो पावर डिस्ट्रीब्यूशन कैसी है दैट्स अनदर क्वेश्चन 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 एंड इट्स अ वेरी क्वेश्चनेबल क्वेश्चनेबल ओके वो नाइस बट ये है कि क्योंकि पाकिस्तानी ही uh, जो है वो ऑफ शूट्स हैं हमारे पास पाकिस्तानी मेन स्ट्रीम जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं नून लीग है या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है या अब जैसे पीटीआई भी है तो ये तीन ही जमातें वहाँ पे भी मेन स्ट्रीम जमातें हैं आज़ाद कश्मीर में और इनके अपने आज़ाद कश्मीर चैप्टर्स हैं और वहाँ पे भी हमें इन्हीं तीनों चारों में से करना पड़ता है इलेक्ट पर हमारे पास और जमाते भी हैं इनके अलावा जो जैसे यू you नो know, दूसरी जमातें होती हैं बट आई थिंक मेन स्ट्रीम पोलिटिकल पार्टीज का जो एक नरेटिव है कश्मीर इशू को लेके आई आई डोंट फुली इंडोर्स दैट सही है आपने मुझे अपनी पॉडकास्ट डिस्कशन में आपने मुझे बताया कि आपकी कोई एक कोई रिसर्च भी थी यूनिवर्सिटी में ना आपकी पी में

वो भी आज़ाद कश्मीर के एक खास आइडेंटिटी के ख़ास पहलू के हवाले से था उसमें ज़्यादा रुझान मेरा जो है वो साइकोलॉजिकल ऑस्पेक्ट ऑफ आइडेंटिटी था तो उस वक्त मैंने दो साल की रिसर्च उस ऑस्पेक्ट से देखा था आज़ाद कश्मीर के कुछ इलाकों को और फिर पी मैंने जो है छः साल की मेरी रिसर्च है उसमें तीन साल का मेरा फील्ड वर्क है जिसमें डोर टू डोर डाटा कलेक्शन पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन लिविंग विद पीपल एंड यू नो जैसे एक एंथ्रोपोलॉजिकल रिसर्च होती है तो उसका भी फोकस रीजनल आज़ाद कश्मीर है ओवरऑल उसके सारे डिस्ट्रिक्ट्स बट uh, uh, उसमें जो है जो डेमो डेमोग्राफिक आप कह लो डेमोग्राफिक्स उसमें मैंने आई हैव नॉट कैटेगराइज़ के मैं इस जेंडर पे कर रही करी काम या मैं उस जेंडर पे कर रही करी या ये एज ग्रुप है मेरा या ये कोहोर्ट है मेरी उसमें इट वाज लाइक के एवरीडे लाइफ ऑफ उसमें सारे इंक्लूडेड हैं चाहे, mm -hmm. है, चाहे वो प्रोफेशनल्स हैं चाहे वो स्टूडेंट्स हैं चाहे वो पॉलिटिक्स हैं पोलिटिशन्स हैं, हैं या इंटेलेक्चुअल्स हैं जर्नलिस्ट हैं तो इट वॉज लाइक ओवरऑल स्टडी ऑफ आज़ाद कश्मीर और उसकी जो पॉलिसी लेवल पे पोलिटिसजेशन अगर मैं ये कहूँ और उसमें आइडेंटिटी को तो ज़ाहरा जो आइडेंटिटी मैनेजमेंट है स्टेट लेवल पे और जब से नेशन स्टेट्स का आया आपको पता है कि जब से हुई हैं और एक नेशनल का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस हुआ है तो वो सारा स्टेट से जुड़ा हुआ होता है और स्टेट आपको एक आइडिया नेशन तो वो फिर एक बड़ा कंस्ट्रक्टेड और लोडेड आइडिया होता है इन दिस और आप एक परचम के तले एक हैं कोक स्टूडियो उर्दू जुबान तो वो सारा आपका मीडिया जनरेट uh, करता है ना उस सेंस को और नैरेटिव थ्रो किए जाते हैं और फिर उन नैरेटिव को जब आप इंटरनालाइज़ करते हैं देन यू रिप्रोड्यूस एज अ गुड सिटीज़न या एज अ बैड सिटीज़न अगर आप वहाँ से डेविएट कर रहे हैं तो इस ये मेरा एंगल है बेसिकली जो मैंने आज़ाद कश्मीर के ऊपर अपनी रिसर्च की है तो उसमें मैं ये देख रही हूँ कि जो स्टेट का स्टेट स्पॉन्सर्ड नरेटिव है या स्टेट का जो डिस्कोर्स है आइडेंटिटी उसके थ्रू कैसे कंस्ट्रक्ट हो रही है और फिर जो एवरीडे लाइफ में वो आइडेंटिटी का जो आइडिया है वो नेगोशिएट कैसे करते हैं लोग कि एक तो उन्होंने इंटरनलाइजेशन की हुई है बिकॉज वी ग्र्यू अप लिस्निंग टू द दीज काइंड ऑफ एंथम्स के पाकिस्तान के साथ खड़े हैं इज़्ज़त हरमत हुक्म कुरआन तो इट हैज़ बीन वेरी मच इस्लामाइज्ड के उस कॉन्सेप्ट के साथ जुड़ा हुआ है कि भाई ये एक इस्लामी तौर पर इट इट मेक्स सेंस ओनली विद पाकिस्तान के कश्मीर है ही पाकिस्तान का हिस्सा क्योंकि दो मुस्लिम मेजोरिटी है और मुस्लिम ब्रदरनिज़म है और हम जो है वो हुक्म कुरान के हुक्म के मुताबिक बनता ही ऐसे है जब ये फोर्टी सेवन में पार्टीशन हुई है तो ज़ाहिर ये सारा इशू तो वहाँ से शुरू हुआ ना कि कश्मीर जो स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर थी इट यूज़ टू बीट इट वन ऑफ द लार्ज नॉट वन ऑफ बट एक्चुअली द लार्जेस्ट प्रिंसली स्टेट जो उस वक्त तीन सौ साठ प्रिंसली स्टेट्स थी मेरे ख्याल से जब ये डी हुई है yes. बरे सगैर की तो प्रिंसली स्टेट्स के पास ऑप्शन थे ना तीन वो जरा उस हिस्ट्री से अब वाकिफी होंगे कि वह या तो अपने डिसीजन ले लें किसी एक कंट्री के साथ एक्सेशन एक्स कर लें या।, या फिर आजाद रहे तो वो जरा उनकी कंडीशन थी कि किन बेसिस पे आपने ये फैसला करना है तो उसमें था एक कि आपकी कॉन्ग्रेंसी किसके साथ है कि आपके टेरिटोरियल बॉर्डर्स जिन इलाके जिस भी मुल्क के साथ लग रहे हैं और दूसरा ये था कि आपकी मेजोरिटी जो है वो क्योंकि ये जो पार्टीशन है 47 की वो मेनली तो रिलीजन की बेसिस या वही रिलीजन ही को मनाया गया दो को मैं नजरिया करके कहा गया कि दो अलग अलग नेशंस हैं एक हिंदू हैं और मुसलमान हैं और मुसलमानों का अलग मुल्क होना चाहिए तो वो इस पे था कि मेजॉरिटी के और तीसरा ये था कि आपका रूलर जो है वो वट एवर दे वॉन्ट इन दो बेसिस पे वो करके और फिर उसमें ऑप्शन uh, थे ना उसके प्लेबसाइड के क्या आप अपनी uh, वो प्लेबिसाइड करा लें रेफरेंडम करा लें वट एवर योर पीपल वॉन्ट तो उसमें फिर ज़्यादा ये कॉन्फ्लिक्ट बन गया क्योंकि तीन चार स्टेट्स ऐसी थी जिन्होंने इंडिपेंडेंट रहने का फ़ैसला किया और उन्होंने फोर्टी सेवन एक्जैक्ट फोर्टीथ अगस्त और फिफ्टीथ अगस्त को अपने डिसीजन तब, तब तब तक नहीं लिए हुए थे तो जो इंटीग्रेशन की मूवमेंट्स थी वो तो पहले से ही चलना शुरू हो गई थी यू नो छः सात आठ नौ महीने पहले से ही चलना शुरू हो गई थी बल्कि फोर्टी सिक्स के एंड पे ही जब ये लाहौर रेजोल्यूशन भी पास होती है फोर्टीज़ yes. में तब से स्टार्ट हो गई थी तो हमारी वहाँ पर भी कांग्रेस की तरफ से इंटीग्रेशन हो रही थी जो कि वो दे वॉन्ट टू इंटीग्रेट दीज इंडिया या टूवर्ड्स इंडिया एंड जो मुस्लिम लीग की थी इंटीग्रेशन वो इस तरह की थी कि अब प्रो पाकिस्तानी हो जाए तो वो फिर वहाँ मसला हो गया अब कश्मीर का इशू इतना कोई इंटरेस्टिंग था स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर का कि इट हैड अ वेरी कॉम्प्लेक्स जो उसका उस वक्त का पोलिटिकल या जियो पोलिटिकल मेकअप था कि जो रूलर था ही वॉज हिंदू और जो पॉपुलेशन थी वो मुस्लिम मेजॉरिटी थी।, थी।, थी और जो कांग्रेनसी थी टेरिटोरियल वो दोनों के साथ थी कि इंडिया के साथ भी आपका बॉर्डर लग रहा है और पाकिस्तान के साथ भी आपका बॉर्डर लग रहा है या तो आप इस तरह के एक उस होते ना कि एक के साथ जैसे अब हम गिलगित और कश्मीर का वो दरमियान से इकट्ठे नहीं जा सकते बीच में इंडिया का एक बॉर्डर आ जाता है तो वह हमें इतना लंबा इस तरफ से होकर जाना पड़ता है तो ये इस वजह से और फिर वहाँ पे जो आप कह सकते हो कि पब्लिक ओपिनियंस थे या पब्लिक टेंडेंसी थी पोलिटिकल एफिलियशंस थी दे वर वेरी डाइवर्स पीपल वर नॉट क्लियर कुछ जो है वो प्रो इंडियंस थे कुछ, कुछ प्रो पाकिस्तानी थे कुछ प्रो इंडिपेंडेंस थे और महाराजा जो था उस दौर का वो ही वेरी क्लियरली वांटेड इट टू बी इंडिपेंडेंट लेकिन वहाँ पे जो लीडरशिप थी लोकल लीडरशिप उनमें से कुछ लोग प्रो इंडिपेंडेंस थे मगर ज़्यादा इन्फ्लुएंस होता है पॉलिटिक्स में और फिर इंटीग्रेशनल पॉलिटिक्स तो बड़े उस ले मैं थोड़ा सा जाऊंगा हिस्ट्री की तरफ ना क्रिटिकल थोड़ी मैं चाहूंगा हम एनालिसिस करें कि इंडिया जो, जो पाकिस्तान साइड वाला कश्मीर में उ, उ, कश्मीर है उसमें क्या ऐसी गलतियां हुई जिसकी वजह से आज हम एक वाज डिफरेंट डिफरेंस दे करें कि कश्मीर का इंडिया जब हम उठा के देखते हैं आपने वो वीडियो देखी होगी ना 360 डिग्री टर्न वाली <laughs> अगर हम थोड़ा सा देखें ना तो इंडिया वाला जो साइड है और पाकिस्तान वाला जो साइड है उसमें आपको काफ़ी डिफरेंस नज़र आएगा ह्यूमन डेवलपमेंट आप अगर वहाँ पे इंसानों को देखें इंफ्रास्ट्रक्चर को देखें इवन इन्वायारमेंट को आप देखें आपके यहाँ के पहाड़ आपको ज़्यादा वो गंजे नज़र आएंगे वहाँ के पहाड़ों पे आपको ज़्यादा जंगल हैं तो आपको क्या लगता है कि किधर ऐसी गलतियाँ हुई जिसकी वजह से ये हालत है आज दोनों की इतना ज़्यादा डिफरेंस है दोनों में अच्छा ये एक जो ये सवाल क्योंकि बहुत हर जगह पे जब भी कश्मीर पे डिबेट आती है तो कंपैरेटिवली जो है वो सवाल वहाँ पे ज्यादा अच्छा हाँ, है यहाँ पे ज्यादा बुरा exactly. है ये वाला हाँ. तो मैं ये कहूंगी कि ये एक तो हमारी जो है वो फॉल्स परसेप्शन भी होती हैं कि वी आइडियलाइज वट एवर इज़ नॉट अंडर द नोज तो हम उसको आइडियलाइज करते हैं जो फार अवे है क्योंकि जो वहाँ की रियलिटी है वो हमें वही बता सकता है जो वहाँ का लोकल है और उसके अंदर भी ज़्यादा पोलिटिकल ओपिनियन और पोलिटिकल बिल्डिंग बहुत ज़्यादा होती है और आप बिल्डअप करते हैं तो कुछ जो है वो मैं और जो मेरी पर्सनल मुझे लगता है इस चीज़ के ऊपर कि आज़ाद कश्मीर में और इंडियन एडमिनिस्ट्रेट कश्मीर की जो रिसोस को लेके एक्सप्लाइटेशन है या जो डेवलपमेंट है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट है या जो एजुकेशन सेक्टर है और इस तरह की सारी चीज़ें वो कम क्यों है उसमें यह है कि जब ये पार्टीशन हुई है ना तो उस वक्त तो आज़ाद कश्मीर की यह शक्ल नहीं थी द होल टेरिटरी जो अब आज़ाद कश्मीर के नाम से ऑफिशियली uh, पुकारी जाती है इट यूज़ टू बी द आउटस्कर्ट्स ऑफ द सिटीज़ जो अब इंडियन एडमिनिस्ट्रेट कश्मीर में है अच्छा मतलब कि पुंछ का जो इलाका है तो पुंछ सिटी अभी भी इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन में है, तो ये जब जो हमारे वाला पुंछ है इट यूज़ टू बी द आउटस्कर्ट जैसे आप कहें कि लाहौर इज द मेन सिटी तो शेखपुरा उसका आउटस्कर्ट है कसूर uh, चले दूर हो जाता है लेकिन वो अलग से एक सिटी है बट इन सेंस के जो आउटस्कर्स के आपके इलाके आते हैं ना पतोकी है या उसके इर्द गिर्द के जो भी हैं तो आउटस्कर्ट तो आपकी डेवलप नहीं होती वो तो गांव ही होते हैं yes. वहाँ पे ना सड़कें पक्की जा रही होती है ना वहाँ हॉस्पिटल सारी चीज़ें तो मेन सिटी में होती है डाक खाने आपके वहाँ होते हैं आपकी जितनी भी इंस्टीट्यूशनल वो सारी हो रही होती है इंफ्रास्ट्रक्चर डिवेलपमेंट या कम्युनिकेशन या वट यू नो हैंडलिंग ऑफ द सिटी एडमिनिस्ट्रेशन एंड एवरीथिंग तो आज़ाद कश्मीर जब बनाए या इसके पास तो कोई सिटी नहीं था ये मुज़फ़्बाद और इसकी सारी हिस्ट्री सेवेंटी इयर्स ओल्ड है फोर्टी सेवन के बाद मुजफ्फरबाद के अंदर सेक्रटेरियट बनाया गया ये सारी और फिर शुरू में हमारा कैपिटल बना था त्राड़खल में त्राड़खल हाँ और वो क्या कैपिटल था इट 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 हैड ओनली लाइक एक एक पहाड़ है और उसके ऊपर एक थोड़ी सी चपटी सी जगह है और वहाँ पे ये उस तरह से बातें बड़ी बड़ी कहने को कह दो ना कि टर्मिनोलॉजीज लॉन्च कर दो कि जी हमने वहाँ पे अपनी आज़ाद यूनिट्स सेटअप बनाया इट वॉज अ सेटअप विदाउट बिल्डिंग इट वॉज ओनली कि वो एक उन्होंने अपना ऑपरेटिंग हब बना लिया कि यहाँ बैठ के मीटिंग्स होंगी यहाँ पे चीजें डिसाइड की जाएंगी कि हमने नेक्स्ट मूव कैसे करनी है और जो भी ऑपरेशन उस टाइम थे चाहे वो आर्म्ड ऑपरेशन उन्होंने किए फोर्टी सेवन में या लोकल uh, लेवल पे जो रेजिस्टेंस थी या जैसे भी वो जब पार्टीशन uh, हो रही थी तो बहुत ज्यादा हर तरफ कोहराम मचा हुआ था क्योंकि यू you नो know, ट्रेनें इधर से आ रही हैं इधर वाले उधर जा रहे हैं और बीच में पता नहीं क्या लूट मार है और एक अजीब सा yes, yes. तो उसमें यू नो जस्ट टू हैव दिस यार एक और बहुत ज़्यादा अनऑर्गनाइज किस्म और अनकोऑर्डिनेटेड uh, ये सारी चीज़ें थी बिकॉज इट इट डिड नॉट हैड सेंटर फिर आज़ाद कश्मीर के जो कुछ uh, शहर हैं जिनकी पुरानी तारीख है जैसे मीरपुर है या भिम्बर है hmm. या uh, हजीरा का भी इवन जहाँ जिस जिधर से मेरा अपना तालुक़ है उसका बाज़ार है ये सारे हुआ करते थे ट्रेडिंग रूट्स तो जब महाराजा के ज़माने में या पहले मुग़लों के ज़माने में कह लो और उससे पहले जो 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 भी अदवार गुजरे बर सगीर के ऊपर तो यहाँ से ये ट्रेडिंग रूट्स थे तिजारत के लिए ओके okay. तो उस हवाले से वो यू you नो know, ट्रेडिंग रूट्स पे जैसे होता है कि सराय बनी हुई है आरामगाह बनी हुई होगी ताम व क़याम होएगा और एक अपने रोड मैप बनाया हुआ चाहे वो कच्ची रोड है जिस पर घोड़ा गाड़ी चल रही है या फिर टायरों वाली अगर गाड़ी है या तो उस हिसाब से तो इट यूज़ टू बी दैट काइंड ऑफ बैरन लैंड ये तो पॉपुलेटेड भी नहीं था उस तरह से तो जो श्रीनगर है ना बेसिकली वो है कश्मीर प्रोविंस का हिस्सा और श्रीनगर और कश्मीर प्रोविंस की अपनी तारीख है और वो बहुत पुरानी है वो हज़ारों साल पुरानी तारीख है और उसका अपनी एक सिविलाइजेशन है उनकी वो जो कारपेट वीविंग है और उनके जो खाने हैं और उनकी ज़ुबान हमसे मुख्तलिफ है और ये सब कुछ और वो इट इज़ आल्सो फुल ऑफ नेचुरल रिसोर्स ज़रान है जैसे वहाँ पर और इसी तरह से मादनियात हैं कुछ उन पहाड़ों में और ये और वो तो वो तो इलाका ऐसा है ना कि फिर इट हैज़ टू ऑफ़र अलॉट तो Uh, हैं तो आज़ाद कश्मीर के पहाड़ों में भी बहुत कुछ है बट वो तो फिर डिपेंड करता है कि हम जिसके साथ हैं वो अपने इलाके अपने से जो है वो को हमारे गांव में मार्बल के पहाड़ पे नौकरी कर रहा हूँ यहाँ पे जॉब कर रहा हूँ हाँ। like, तो का का। तो पे, पे काम करूँ बट यहाँ पे आके हम काम कर रहे हैं शहरों में आके बसे में तो हमारा अपना ये हाल है आप मुझे नहीं लगता की पोलिटिकल सिचुएशन का रोल है क्योंकि हम एक मुतनाजा इलाका है ना चाहे वो इंडियन एडमिनिस्ट्रेड है या पाकिस्तान है तो मतना इलाकों में डिवेलपमेंट इंतजार में, में था कि पांच साल जो है ना कश्मीर हाईवे नाम था फिर उसको श्रीनगर कर दिया इस बार कश्मीर पे मुझे था रखना <laughs> एक दोस्त दफ्तर ना इसी कश्मीर हाईवे तो उसन, उसन, करो और काकर साहब को टैग करो उसमे काकड़ साहब हमें पहले से बता रखना है क्योंकि हमने अपने विजिटिंग कार्ड छपवाने ताकि उसमें हम नाम पहले से डाल के दे छुटिया लम्बी आ रही है जर्मनी से ना तो मेरा एक छोटा भांजा आया है नैदरलैंड से मतलब hmm. ही इज़ वेरी यंग तीन साल का है वो लेकिन उसकी जो ऑब्जर्वेशन है ना बिकॉज ही ग्रू अप देयर ही वॉज बॉर्न देयर तो उसने जो पहली चीज़ नोट की है पा, पाकिस्तान में लाहौर आने के बाद और लैंड और उस टाइम तो इलेक्शन का माहौल माहौल था hmm. जिन दिनों में हम वहाँ पहुंचे हैं तो इट जस्ट आज में कि यहाँ पे इतने ज़्यादा झंडे क्यों हैं हर वक्त और मतलब कि उस उसके जहन में पाकिस्तान का कॉन्सेप्ट भी बस वो झंडा है ना जैसा हमारा एक यूरोपियन बड़ा एक मम्मी डैडी सा कॉन्सेप्ट ऑफ देते हैं वहाँ पेट्रेटिज़म के थोड़े थोड़े एम्बेसी में फंक्शन हो जाते हैं तो उतराने है और ये वो तो यहाँ पे जो एक आपकी पब्लिक विजिबिलिटी में या जो आपको वो बनाते हैं ना जिसको हम कह सको कि वीडियोस्केप है या विजुअल्स जो हैं जिसमें आपके अंदर वो बार बार आपको रियलाइज़ कराया जाता है कि इस चीज़ को इंटरनलाइज कर लो कि पाक फ़ौज ज़िंदाबाद या पाकिस्तान जिंदाबाद या पाकिस्तान नूर है नूर को कभी जवाल नहीं है और इसी तरह के जो वन लाइनर्स हैं और जो वॉल चॉकिंग है जो ग्राफिटी है जो इतनी विजिबिलिटी है झंडों की झंडियाँ हर तरफ एक ओवर वो आप कर रहे हैं ना विजिबल hmm. इस चीज़ को पैट्रेटिज़म को आपकी गुफ्तगु में या आपकी Uh, एफिलिएशन या उस तरह से ऑनरशिप नहीं है जिसको यहाँ आप अभी किसी को वीजा ऑफर करो नो hmm. मुल्क मदर लैंड है जी मेरी मैं इसको छोड़ के चला अपॉर्चुनिटी टू गेट रिड ऑफ बेसिकली अनफॉर्चुनेट और इट्स इट्स सैड रियलिटी ये हमारा सारा वर्बल है यार नूर और को और इतना है। बड़ा जवाल आ चुका है ना इस टाइम पे आप इस पूरे नूर को ना वीजा दें

कि आपको अगर अच्छा हेल्थ केयर मिले आपको सिक्योरिटी मिले आपको एक सेंस ऑफ ऑनरशिप फील हो वहाँ पे यहाँ पे तो यकीन करें कोई टीए वाला सड़क पे ठीया लगाता है ना वो भी उसको भी एक सेंस ऑफ ऑनरशिप नहीं होती उस जगह की जाऊँ उसका ठीया खड़ा होता है क्योंकि उसको पता है अभी अगले घंटे में सी वालों ने आके मेरा टीआ लेके चले जाना है फिर मैं पाँच सौ दूंगा तो मुझे छोड़ देंगे ठीक है ना तो नहीं है यहाँ पे लोगों के अंदर मेरे ख्याल से ये चीज़ें जब आपको मिलेंगी तभी आप कहेंगे हाँ हाँ यार ये मुल्क अच्छा मुल्क है तो हमारे यहाँ एक माइंड सेट एग्जिस्ट करता है टॉक्सिक पॉजिटिव नहीं होता एक लोग जो है ना हमारे यहाँ पे hmm. उनकी नज़र में वो और ये आपको मिलेगा ओवरसीज पाकिस्तानी में सबसे ज्यादा hmm. और स्पेशली जो बाबे हैं हमारे बेबी hmm. बूमर्स हैं वो जब hmm. आते हैं पाकिस्तान इज अ ग्रेट कंट्री मैन यू डोंट नो चार है चार मौसम मौसम है तो उसमें नहीं नहीं तो मौसम में स्टेट का क्या कमाल है तो कुदरत का कमाल है ना अगर चार मौसम है यहाँ पे तो इनके अंदर आपको ये चीज़ ज्यादा मिलेगी और यकीन करें इन बाबों का बिल्कुल बिलीव ना करें ये आपको ले डूबेंगे अपने साथ और ये जो आपने मेंशन भी किया ना कि वो जो जो का फॉर एग्जांपल एक आइडियलिज्म फॉर पाकिस्तान है ना दे कम हेयर बाहर के मुल्क से अगर आप आ रहे हैं तो आप करेंसी का डिफरेंस ही देख लें वहां पे अगर आपकी अर्निंग एक महीने के सिर्फ हजार यूरो है ना तो वो पाकिस्तानी पता नहीं कितने बन जाएंगे तो आप वहाँ से आप अपना यू नो कार्ड कटा के सिर्फ पॉकेट मनी आप वहां से लेके आते हैं जिसके ऊपर यहाँ पे यू कैन घूम फिर लाइक के ओ वाह तो हम तो बादशाह हैं भाई हम यू नो सरीना में बुकिंग भी करा लेंगे हम रेंज रोवर भी ले लेंगे किराए पे हम ये भी कर लेंगे तो वो एक पे अच्छा पैसों पे नहीं हाँ जी जी तो वो तो एक सारा वो होता है कि यार हम रिलैक्स होने आए और फिर पाकिस्तान ऐसा मुल्क तो अलबत् पे है you can buy the comfort here. It's not कि यू कैन बाय द कंफर्ट हेयर इट्स नॉट कि कंफर्ट एग्जिस्ट ही नहीं करता बट यू हैव टू पे द प्राइस इफ यू हैव मनी यू कैन बायथिंग ठीक है आप प्राइवेसी बाय कर लेते हो आप सोलिट्यूड बाई कर लेते हो यहां पे आप जो है वो कंफर्ट बाय कर लोगे बड़ी गाड़ी ले लोगे वट एवर वो सारा जो भी एक शेलोनेस फेकनेस जो भी है आपका वो सब भी आप बाय कर लोगे तो ये जो बाहर के लोग आके ये बातें कर रहे हैं ना वो साल में एक महीने के लिए आते हैं यहां पे और वो उनकी अपनी तरफ से वेकेशन होती हैं और वो वेकेशन मॉड में यहां आते हैं दे स्पेंड लाइक

मतलब क्या आपको फ़नी लगता है उनके बारे में या मतलब जब वो जैसे ही आते हैं हम मैं थोड़ा तो कश्मीर की तरफ जाऊंगा मेरे जहन में बड़े सवाल आते हैं लेकिन मैं थोड़ा तो ये जानना चाहूँगा कि कश्... वो जब आते हैं जर्मनी तो क्या नया होता है क्या फ़नी होता है वहाँ लोग वहाँ ट्रेंड में होता है लोग के बारे लोगों के जहनों में परसप्शन है पाकिस्तानी ये आते हैं तो ये ये करते हैं वगैरह वगैरह क्या होती है इंटरेस्टिंग चीज़ें थोड़ी बताएं इसमें यह कि मेरे पास कुछ पुरानी शुरू शुरू की मिसालें हैं क्योंकि तो इट हैज अ रीजन और वो रीजन ही मैं आपको बताती हूँ मिसालों की सूरत अच्छा अच्छा सबसे अच्छा। पहले तो काम पाकिस्तानी न्यू का जो एक रिएक्शन बनता है ना एक नॉर्मल एवरेज पाकिस्तानी की अगर मैं बात करूँ वो ये होता है कि वो वहाँ जाके ओवर रिलीजियस हो जाते हैं अच्छा अन नोटिसेबली मुझे ऐसे लगता है कि यहाँ पे तो एक चीज है ना कि टेकन फॉर ग्रांटेड है अजान हो रही है मस्जिद है हर जगह जगह जगह, जगह नजर आ रहा है तो यू डोंट हैव टू असर्ट इट कि आप मुस्लिम हैं और मस्जिद मीनज लॉट टू यू यहाँ पे तो गाड़ियों में म्यूज़िक चल रहे हैं अजान आ रही है चली जाएगी थोड़ी देर के लिए बंद करेंगे फिर आगे लगा लेंगे hmm. और इस तरह की बात है ना टेकन फॉर ग्रांडी ट्रूस जो है वहाँ पे जाके सबसे पहले तो उनकी वो आइडेंटिटी ख़तरे में पड़ जाती है कि सारी तरफ वो हैं तो हम जी बड़े मुस्तव मतलब यू you नो know, एक हाइपर इस्लामिक वो जेस्चर शो करते हैं एंड इट्स ऑल इन जेस्चरिंग सबसे ज़्यादा जो इसके अंदर आप कह लो कि बुरी बात या अनफॉर्चुनेट बात यह है कि वो सारी जेस्टरिंग है अगर आप रियल में ओन कर रहे हैं अपने रिलीजन को एंड योर रिलीजन हैज़ कोर्स इस्लाम हैज़ यू नो वेरी गुड मोरालिटी टू बी अ मॉडरेट एंड स्टेबल सोसाइटी तो वो आप करें प्रैक्टिस जिसमें वो कहते हैं झूठ ना बोलो ऑनेस्ट रहो बेमानी ना करो किसी का हक ना खाओ तो ये तो सारे रिलीजन यही बातें करते हैं इफ़ यू प्रैक्टिस दैट गुड इनफ लेकिन अगर आपने सिर्फ वो जेस्टरिंग में रखना है तो वो इनकी सारी जेस्टरिंग कहाँ से शुरू होती है ये मसले में कहती हूँ अब सिर्फ पाकिस्तान में रह गए हैं कि पांचा ऊपर हो गया है कमीज छोटी हो गई है चाक नजर आ गया है दाढ़ी नहीं है बाल खुले हुए हैं तो ये सारा इस्लाम वहाँ पर ये हाइपर हो जाता है वहाँ पहुँच के okay. फिर जी उनके मसाइल होते हैं हराम हलाल पे तो पागल हो जाते हैं ठीक है थीक? कि ये हराम है और ये हलाल है तो अभी एक तरफ मतलब गेस्ट आएंगे आपके घर और आप उनको किसी रेस्टोरेंट में लेके जाओगे जहाँ छोटा सा लिखा हुआ होगा हलाल के साथ में हलाल भी है दूसरा भी है मगर हलाल भी नहीं इन्होंने वही छुरी भी इस्तेमाल की होगी जिससे शायद इन्होंने हराम वाला भी कोई परता होगा गोश्त का टुकड़ा इस हद तक मतलब हुआ है अच्छा ये अंडे ये कछुए के अंडे तो नहीं यार कछुए के अंडे कौन खाता है ठीक अच्छा ये सारी बातें हो गई मतलब घर में मेहमान आने से पहले पूछेंगे कि अच्छा तुम जर्मनों के साथ रह रही हो तो फिर किचन का क्या सिस्टम है तुम उन्हीं के ग्लास में पानी पी लेती हो वो शायद उसी ग्लास में वाइन पीते होंगे ये सारी बातें करने के बाद अच्छा यार कल हमने ना सिटी टूर करना है तो पता है कल जो वाला हमने डे टिकट लिया था ना हमने वो चेक इन ही नहीं किया था तो हम तो वही वाला आज भी यूज कर लेंगे Oh. तो मतलब कि वहां पे आके आपकी राइटियसनेस right जो है वो खत्म हो गई है और छुरी पे आप अड़के हुए हैं कि ये छुरी शायद इस धुलने से पहले इसने किसी हराम चीज का गोश्त भी काटा हो जो आपके सेंस में है मगर दूसरी तरफ आप जो है क्योंकि वहां टिकट चेकर नहीं होता hmm. और वहां के जैसे आप किसी के घर दाखिल होते हैं ना तो बेसिक मैनर्स है कि आप नॉक करते हैं hmm. तो बाइंग अ टिकट फॉर द पब्लिक ट्रांसपोर्ट इज लाइक अ बेसिक मैनर्स कि इट्स इट्स पार्ट ऑफ मतलब यू आर यू आर हैविंग अ रईट यू हैव टू बाय द टिकट बट देर इज़ नो टिकट चेकर तो वहाँ पे हमेशा आपको हमारे माशाल्लाह से इस्लामी बहन भाई चाहे वो ईरान के हैं तुर्की के हैं अफगानिस्तान के हैं सीरिया के हैं जब भी टिकट चेकर आएगा ना कभी और जिन लोगों के पास टिकट नहीं होगी वो सारे हमारे माशाल्लाह से इस्लामी बहन भाई होते हैं मैंने कभी भी किसी यूरोपियन को या वाइट रेस के इंसान को ऐसे नहीं देखा कि टिकट चेकर आ गए दे बुट से कि ओह हमारे पास नहीं है So, तो टिकट रैंडमली आता आता है है रैंडम कभी कभी आते हैं और वो आके चेक करते हैं और दैट्स पार्ट ऑफ देयर ड्यूटी दैट्स नॉट लाइक कि वो भी कोई थ्रेटनिंग और एक्सपीरियंस नहीं होता जैसे यहाँ पे छापा पड़ गया है जी इट्स लाइक कि वो उनका स्केजुअल है दे डोंट नीड इट के ये एक यूजलेस जॉब है तो ये भी हम भी किस लिए इसके इस ऊपर टाइम ज़ाया करके डेली एक टिकट चेकर बिठा के रखें तो इट्स सो मच अंडरस्टूड तो फिर ये इन लोगों की मुझे नहीं समझ आती यार वहाँ जाके ये पाकिस्तानी ना तो उसको ऑन करते हैं चौबीस घंटे जो है वो क्रिटिसाइज करते हैं Uh, ये क्रिश्चियंस हैं तो इनकी प्रैक्टिस और पता नहीं वही हाइपर रिलीजियस हो जाते हैं मगर और फिर जितना उनके सिस्टम के अंदर डिस्रोप्शन आती हैं जो एक स्टेट लेवल पे एक सिस्टम है ना डिफाइन hmm. हुआ है hmm. तो वो सारी डिस्टरप्शन भी क्योंकि वहाँ जुगाड़बाजी नहीं है जुगाड़बाजी नहीं तो ये मतलब। सारी जुगाड़बाजियां भी वहां पाकिस्तानियों ने करनी होती है कि दे कैन फाइंड द कॉर्नर जहां पे कैमरे की आंख नहीं पहुंचेगी तो पार्किंग का टिकट भी नहीं लगेगा पर गाड़ी पार्क हो जाएगी यू नो दिस लिटिल थिंग्स कि जहाँ जहाँ से भी ये वो कर सकें अच्छा वहाँ पे ब्युरुक्र, जर्मन ब्यूरोसी के अंदर अभी तक भी ना दे दे यूज़ पेपर अलॉट लेटर्स आते हैं आपको हर वक्त लेटर बॉक्स बॉक्स इज लाइक ओवर ट्रोमैटिक हर वक्त आपको कोई ना कोई लेटर आ रहा कभी है कभी इंश्योरेंस वालों का कभी किस का कभी किस का लेकिन तो एनी तो वो ये होता है कि वो आपको पोलाइटली रिमाइंडर्स भेजते रहते हैं भे, भेजते रहते हैं और फिर पाकिस्तानियों के इसमें डील ये है कि क्योंकि वो घर आके आपको नॉक नहीं करेंगे थ्रेट नहीं करेंगे इस तरह से तंग नहीं करेंगे तो दे डोंट रिस्पॉन्ड टू इट और फिर उनके वो पढ़े रहेंगे, रहेंगे पड़े रहेंगे पड़े रहेंगे और वो फिर शायद अगली नस्लों को कहीं जाके चुकाने होंगे या वो सारा उनके क्योंकि वहाँ पे बेसिकली सोशलज़म है ना यूरोप के अंदर कहने को आप उसको चाहे के okay, जर्मनी जो है वो फेडरल रिपब्लिक है बट लेकिन जो उनका सोशल सिस्टम है वो socialism है ना सारा के सोशल सिक्योरिटी पर चलता है और प्राइवेट प्रॉपर्टी का उस तरह से कॉन्सेप्ट नहीं है और गर्मेंट के नाम हो जाती हैं वो प्रॉपर्टीज़ और फिर वो ओल्ड लोगों को मिलती हैं और वो वरासत और ये वाले कॉन्सेप्ट उस लेवल पर नहीं हैं स्टेट लेवल पे या कंट्री लेवल पे ना तो आई डोंट नो के पाकिस्तान इज गो देयर बट दे ऑलवेज क्रिटिसाइज इट नेगेटिवली हर वक्त मुझे तो बहुत मुझे उलझन होती है जब कहते हैं ना हर वक्त जर्मनी की बुराइयां कर रहे हैं भाई तुम फिर यहाँ क्या कर रहे हो नो बड़ी हज मिनते नहीं की कि किसी ने भी तुम्हारी हाँ हा, हा। रहना भी यहाँ है और चौबीस घंटे कहना ओ ये जर्मन बड़े ये जर्मन के अकोमोडेशन के मसले और जर्मन की ब्यूरोसी के मसले जर्मन का पता नहीं किसका मसला पता नहीं किसका मसला तो जब लाइफ स्ट्रेट होती है ना सिरात मुस्तकीम जब असल में होती है तो वो इनको लगता है कि ऐह ही हो गया है ये क्या बकवास है कि कैसा मुल्क है ये ऐसे हो रहा है ये बड़े सख्त हैं ये ये करते हैं तंग करते सो या दिस इज तो मेरे ख्याल में जो अभी नदरलैंड का अगला आने वाला वज़र है उसके पांच नुकात है पाँच नुकात हैं ना उन पांच नुकात में से एक नुका नुक़त ये भी है नुक़त बोलेंगे क्या बोलेंगे नुकतः 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 ये भी है कि ये जो बाहर से आते हैं मुसलमान यहाँ पे उनको अपने मजहब और अपने वैल्यूज से वो जो नदरलैंड की वैल्यूज़ हैं उनसे ये वैल्यू ज़्यादा बड़ी नज़र आती है अच्छी नजर आती है तो अगर आपने हमारी वैल्यूज़ नहीं मानती तो गो टू योर कंट्री स्ट्रेट उसने लिखा अपने एजेंडे के अंदर ना हुँ. तो मेरे ख्याल से जो पॉपुलज़म उभर रहा है ना दुनिया में तो उसकी कुछ वजूहत ये भी हैं कि पाकिस्तान जैसी रियासत ने या सीरिया या इन जैसे जो हैं उन्होंने मज़हब का बहुत ही गंदा इस्तेमाल किया अपनी सियासत में yes. और उसका फ़ायदा उठाया यूरोपियन या फिर आप ट्रंप को देख लें इन्होंने इसका फायदा उठाया कि वो उस, इस नाम पे वोट ले अपने लोगों से कि कि जी लोगों से कहता अब पे कहता है अमेरिका में कि हम दीवार बनाएंगे मेक्सिको के बीच में चो. ठीक है ना तो सैड पार्ट है इस दुनिया हाँ, का और हमारे यहाँ अभी पाकिस्तान में पीछे से कान में आके एक बंदा बोलता है इस्लामी टच दे दें थोड़ा सा I don't know, जहाँ पे जो वैल्यूज है ना फॉर एग्जांपल गुड एंड बैड के ऊपर अगर हम जाएं और हम फिलोसॉफिकल गुड एंड बैड की बात करें और उस तरह से पीछे से हिस्ट्री में चले जाएंगे कि जहाँ ये मोलिटियाँ जहाँ से निकली हैं या societies ये तो मजहब से भी पहले की है ना एक्जैक्टली exactly. तो थोड़ा तो सा मोरालिटीज़ का बताएं कि मोरालिटीज़ क्या मज़हब के बगैर मतलब क्या माजूर हैं या हो सकती हैं या नहीं हो सकती थोड़ा ये पता है क्योंकि हमारे लोग लगता है कि अच्छा इंसान बनने के लिए आपको मजहबी इंसान बनना लाजमी है असल में हमने ना ऐसे किया कि ह्यूमन जो है ना एक्चुअली mm -hmm. उसको ठगाना पड़ता है okay. हम ठगते हैं ना वरना तो हम बात नहीं मानते तो ठगाने के लिए नीड ओके एंड ऑन दैट स्टोरीज वी वी नीड टू बिलीव ऑन समथिंग ठीक है अगर आप टोटली totally एक रैशनल uh, माइंड हो जाते हैं और आप जीरो वन की जुबान में और एक लॉजिकल थिंकिंग में एंड दिस इट इज और इस तरह से होकर चलेंगे तो दैट्स वेरी मैकेनिकल Mm -hmm. तो क्योंकि इंसान जो है वो इमोशनल बींग है और एक तो हमें बाकी मखलूक़ा से जो चीज़ मुमताज़ बनाती है वो हमारी लैंग्वेज है ना बिकॉज वी हैव केपेबिलिटी टू स्पीक एंड टू मेक सेंस तो वो जो कॉन्शियसनेस जिसको हम कॉन्शियस तो सारे हैं कॉन्शियसनेस भी है मगर हमारे पास जो लैंग्वेज है टू स्पीक इन अ मीनिंगफुल वे एंड टू कम्यूनिकेट ये नहीं है या mm -hmm. बाकियों में शायद हो हम अभी तक एक्सप्लोर नहीं कर पाए तो अभी तक की जो एस्टैब्लिश हम बात करते हैं सोशल साइंसिस में या टू मेक सेंस ऑफ द ट्रूथ एंड रियालिटी वो यही है कि ह्यूमन बींगस के पास एक कॉन्शियसनेस एंड वी आर एबल टू कम्युनिकेट थ्रू लैंग्वेज शेयर्ड लैंग्वेज है हमारी तो उस शेयर्ड लैंग्वेज के बाद जो दूसरी बात है हमारे अंदर इमोशनैलिटी है ठीक है uh, जो फिर हम थ्रू लैंग्वेज कम्युनिकेट भी करते हैं या उसके डिफरेंट मीडियम्स ऑफ एक्सप्रेशन हैं चाहे सिम्बल्स हैं चाहे वर्ड्स uh, हैं तो देन वी नीड स्टोरीज टू बिलीव टू हैव तो uh, हम बात कर रहे थे कि जो ह्यूमन बींग्स हैं उनका क्योंकि दे हैव लैंग्वेज टू कम्युनिकेट और वो फिर अपने इमोशंस को भी कम्युनिकेट करने के लिए सो देन ह्यूमन बींग्स बिलीव इन द स्टोरीज़ और वो जो स्टोरी जब चलती है तो वो वो बताए जिसको दास्तान गोई कहते हैं कि वो सीना सीना या औरली जो है वो आ, होती है ओवर द जनरेशन ट्रांसफ़र और फिर उसके अंदर मॉडिफिकेशनस भी आती हैं जहाँ से फिर हमारी फोक लोर निकलती है या जहाँ से जो है वो हर ए, इलाके की अपनी मिथ्स हैं वो निकलती हैं तो उसमें आपने फिर रिलीजन की बात की तो शुरू में जो पेगनिज्म की अगर हम बात करें क्योंकि सारी तो पेगन प्रैक्टिसज थी ना और उनकी रिचुअल्स थी और उसको जो है वो पेगन रिलीजन था इन इन अ फॉर्म ऑफ बट इट वॉज़ नॉट अ सिस्टमेटिक और उसका जो है वो डिविनिटी के साथ ताल्लुक़ नहीं था जो बाद में इब्राहमिक रिलिजन ने आके किया है कि ये वन गॉड या गॉड की का मैसेज देने के लिए मैसेंजर्स का और ये जो इब्राहमिक सारे रिलीजनस हैं उसके बाद चार इल्हामी तो वो अपने साथ एक इल्हामी टेक्स्ट बुक लेके आए आएँ तो आपने बात की कि, कि रिलीजन का और मोरालिटी का तो मेरे ख्याल से ये जो सवाल है ना ए, उसमें वर्चू और वॉइस का किस किसी भी माशरे के अंदर वर्चूज होते हैं या वॉइस होती हैं क्योंकि व्हेन पी, पीपल लिव इन फॉर्म ऑफ कम्यून्स और ग्रुप ऑफ़ पीपल इकट्ठे रहते हैं तो देन यू हैव टू हैव सर्टन रूल्स के यू नो गुड और बैड और ये सारे वहाँ से और फिर बुनियादी तौर पे भी ये तो बहुत बड़ी फ़िलासफी की डिस्कशन है ना कि गुड एंड ईवल या फिर बियॉन्ड गुड एंड ईवल क्या है और फिर गुड एंड ईवल को जब आप सोशोलॉजिकली टेम करने की कोशिश करते हैं फिर उसमें ज़ाहिर पावर का बीच में प्ले आता है ना तो फिर आप अपनी मर्जी से उसको मैनिपुलेट करते हैं सो रिलीजन हैड प्रोवाइडेड एज एन इंस्टीट्यूशन अ सिस्टमेटिक इंस्टीट्यूट जिसने आके पॉलिटिक्स में भी अपना जो है वो एक विजन देने की कोशिश की और मोरलिटी में भी मगर वो आया एक बिलीफ सिस्टम के साथ कि दिस इज़ द राइशियसनेस एंड द राइट पाथ और उस, उस वो प्रामिसज के साथ आया वर्ल्ड आफ्टर हेयर लाइफ आफ्टर हेयर के और वो जो एक फिर एग्जिटेंशलिजम की बहस आ जाती है कि इन ऑर्डर टू मेक सेंस ऑफ दिस लाइफ वी नीड अ क्लोजर ये भी एक ह्यूमन नेचर में है ना कि वो हमारी एज ह्यूमन वी नीड क्लोजर ओपन एंडेडनेस के साथ ह्यूमन बींग के नॉट इंड्योर ओपन एंडेडनेस वी वी मस्ट नीड अ क्लोजर तो क्लोजर के लिए हमने स्टोरीज जनरेट की हुई हैं और सबसे फैसिनेटिंग स्टोरी रिलीजन् ने दी हैं तो फिर रिलीजन की जो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम उसकी एज के साथ साथ वो उतना ही उसकी रूट्स भी बनते गए तो आई थिंक ए रिलीजन कैन पुट टुगेदर द होल यू नो एक मैसिव लेवल पे वो मैसेज को एक पॉइंट पे लेके आ सकता है दैट्स वाई मोरालिटी और रिलीजन को इतना कनेक्टिड uh, कर दिया गया और दूसरा ये भी है कि रिलीजन टॉक्स अबाउट मोरालिटी ना वो कहता है कि वो तो बताता ही आपको जिंदगी गुजारने का तरीका बताता है और उस तरीके का जो मेन पॉइंट है उसमें यही होता है कि पीसफुली मैक्समम पीसफुली आप कैसे रह सकते हैं तो इंसान दो चार इंसान है वो किसी बिलीव सिस्टम के बगैर भी पीसफुली रह सकते हैं बट देन अगेन दे हैव टू बिलीव इन समथिंग कि जिसकी वजह से आप एक स्टैंड अगर हर हर बंदा सब्जेक्टिव ट्रूथ की बात करे और मेरे सब्जेक्टिव ट्रूथ में मर्डर इज़ नॉट एन इशू मुझे ऐसे लगे कि यार मेरी जो लेट्स से आई वॉन्ट किसी भी अपने छोटे से प्लेजर की प्राइस रख लूँ मैं मर्डर कि मुझे ये प्लेजर चाहिए और इसके लिए मुझे मर्डर करना है तो इट्स नॉट अ बिग डील तो वो सारा तो फिर मेरा सब्जेक्टिव हो गया ना तो देन हाउ डू वी स्टैंडर्डाइज के वट इज़ गुड एंड वट इज़ बैड एंड वट इज़ ईवल एंड वट इज वर्चुअस तो उन सारी चीज़ों को ह्यूमन इंस्टिंक्ट जो है वो बेसिकली उसकी मैनेजमेंट के लिए रिलीजनस आए हैं और उन्होंने मोरालिटी पे और ह्यूमन मोरालिटी इज़ नॉट इट्स इट्स नॉट अ नेगेटिव टर्म इट्स नॉट इट्स नथिंग रॉन्ग विद इट

और ये फलाने तो उन लोगों ने भी हर चीज को खामखा में पॉइंट ऑफ क्रिटिसिज्म बनाया हुआ होता है मतलब मोरालिटी का नाम सुनते हैं उनके गार्ड्स खड़े हो जाते हैं कि एज इफ कोई मोल भी बोलने लगा नहीं भाई टू बी अ डीसेंट ह्यूमन यू नीड टू हैव सम मोरल्स तो आई आई बिलीव इट देन हु ये भी तो सवाल है yes, क्योंकि yes. किसके मोरल्स आपने कहा ना कि यहाँ पे तो जो मोरल्स हैं हमारे वो तो मजहब से आ रही है ना मोस्टली या कहीं ना कहीं हमारे ट्रेडिशन से कल्चर से भी आती हैं बट मजहब से किसके मजहब से मौलाना रहमान का मज़हब या तारदरी का मजहब या फिर मजहब या फिर तकी उस्मानी का मजहब या, या फिर गांधी साहब का मजहब या फिर तारक जमीन का मज़हब yes. कौन से वाले पे यकीन करें ना exactly. इतने सारे सासों में दस्तियाब है ये बात आपकी बिल्कुल सही है अब ये अगेन आप उस वाले पॉइंट से कंटिन्यू करें जो मैंने एंड पे बात किया है वो ऑफ मजहब और मजहब से जुड़े अगेन एक और मौलवी को मैं भूल गया बीच में इमरान खान ओ, उसका मजहब <laughs> उनका मजहब सबसे जो है वो खतरनाक है वो तो कल्ट वो तो पेगनिज्म वाले जमाने में हम दोबारा से चलेंगे अच्छा वो कैसे आ, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि इमरान खान एक पॉपुलर लीडर हैं पॉपुलिस्ट हैं उनकी इतनी ह्यूज जो है वो फॉलोइंग है फैन क्लब भी आप क्लब तो बहुत छोटा है ना फिर पूरा मुल्क ही फिर आप कह लें क्लब Friend बन गया कि मतलब एक तो पाकिस्तान में इस वक्त जो है वो यूथ है सबसे ज्यादा जो हमारा मतलब एज ग्रुप है सो दे आर लाइक यू नो हमारे पास ओल्ड एज कम लोग हैं यंगस्टर्स हैं ज्यादा और उन सारे और फिर जितना सोशल मीडिया की वजह से अब मैस मूवमेंट्स हैं और वो सारे लोग एक प्लेटफॉर्म पे एक्सचेंज ऑफ मिस इंफॉर्मेशन इज वेरी रैपिड जितने भी आप इन्फॉर्मेशन के पीछे के ये भी uh, <laughs> <laughs> so, uh, इस किस्म का जो तो मुझे ऐसा लगता है की इमरान खान की जो उसने जो भी बात उसको करनी होगी ना उसको बहुत सोच समझ के करनी होगी क्योंकि हमारे आवाम या हमारे लोगों का कसूर भी नहीं है हमारे ये शुरू से ट्रेनिंग हमारे मुल्क की फिजा इस तरह की रही है कि वी लुक फॉरवर्ड टू कि हमें कोई बात बताई जाए एंड देन वी उसको रिप्रोड्यूस करें हम खुद से हमने क्या सोचना है क्रिएट करना है क्वेश्चन करना है वो हमारी ट्रेनिंग का ही हिस्सा नहीं है घरों से लेके इंस्टीट्यूशनल लेवल तक कि आप खुद की सोच नहीं है नहीं है हम टेकन फॉर ग्रांटेड हम टू हम कहते कोई बस जिसने बता दिया ना वेरी इट इमरान खान हाँ। क्योंकि people, उसके जो they believe, they believe के बारे में जैसे ये अब हमारे यहाँ बहुत सारी ऐसी बज टर्म्स यूज होती है यू टर्न लेता है ये करता है वो तो वो सारे हकीकी आ, फैक्ट बेस्ड है ना कि उसने लिए हैं यू टर्स वो अपनी दी हुई स्टेटमेंट्स है वो जिन लोगों के कभी प्रो होता है उन्हीं के वो फिर अगेंस्ट बोल रहा होता है छह महीने बाद तो वो पूरी एक जैसे बकड़ियों का रेवड़ है वो भी उसके साथ उसी डायरेक्शन में चलना शुरू हो जाता है वेरी क्लियर कि अब खास तौर पर जब ये पिछले दफा हंगामी सूरत हाल पैदा हो गई थी और जब ये इन्होंने उस पर गवर्नर हाउस पर भी हमले हुए और पता नहीं अवाम जो सारी जब इमरान खान कह रहे हैं जी तो उस वक्त लोगों के अंदर इतना पैशन था कि दे वर रेडी टू डू एनी थिंग टू सेव इमरान खान बट दे की हैंडलिंग के लिए कोई बंदा नहीं है इमरान खान को खुद भी नहीं पता कि क्या लाए अमल करके मैं इस इन मैसेज को कंट्रोल्ड तरीके से या मैं इनको जज uh, बुलाता था जज बुलाता था, था सुनवाई के लिए ना या केस के लिए बुला खान अपने साथ आवाम लें <laughs> और मैं यही तो कह रही हूँ कि खान के पास जितनी पावर है ना इस सेंस में क्योंकि पीपल ही तो पावर है अवाम, अब है तो आवाम ही है ना ज्यादा वो मतलब वो तो अब कंसनट्रेटेड पावर का तो कॉन्सेप्ट भी खत्म हो गया हम पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म की दुनिया में पावर इज डिस्पास्ड एंड इट्स सर्कुलर एंड यू नो तो पीपल या जो डिस्कोर्स uh, जनरेट तो खैर एक खास जगह से ही हो रहा होता है मगर ऑफ कोर्स देन इट्स डिस्पास्ड और फिर उसको इंटरनालाइज किस लेवल पे हो रहा है और फिर उसको चेंज भी कैसे किया जा सकता है सो तो पीपल इज़ द पावर किसी भी स्टेट की मगर जब पीपल को अब हर बंदे का अगर इतना ही कॉन्शियस लेवल है या उसका अपना इतनी वो यू नो इंसाइटफुल है कि जो उसको पोलिटिकल डिसीजन का भी पता है सोशल भी पता है इंटरपर्सनल भी पता है ऐसा तो नहीं है आपको पता है हमारे यहाँ लिटरेसी रेट के क्या हालात हैं हमारी ओवरऑल जो माशर्ती शौरी सतह है हु. वो ही बड़ी जो है वो एक फेक शलो और इंसाइट किस्म की है तो ये पॉपुलज़म का एंड कैसे होगा और तो आपने ऐसे सवाल पूछ लिया जिसका जवाब मेरे पास नहीं है no इट्स नॉट ओनली ये कोई में नहीं चल रहा है आपके ख्याल में अगर आप लिस्ट करें इमरान खान पॉपुलिस्ट लीडर्स कौन कौन है इस टाइम पे जो कि पॉपुलिज्म के मोहरे हैं एक आप, आपको लगता है कि यार हाँ कोर्स उसमें यूएस की क्योंकि ज़रा हम हर वक्त बात करते हैं पूरी दुनिया करती है तो डोनाल्ड ट्रंप इज़ ऑल्सो अ पॉपुलस्ट लीडर ओके और इमरान खान इज़ अ पॉपुलस्ट लीडर मोदी इज़ नरेंद्र मोदी जो हैं वो पॉपुलस्ट लीडर हैं कि वो भी एक बड़ा यू you नो know, हिंदू वता है एंड ये एंड वो इस तरह की चीज़ें लेके आए बाकी ये कि यूरोपियन कंट्रीज़ की uh, उसका मुझे नहीं इतना पता uh -huh. तो मेरे नज़दीक ये सारे तो हैं इवन जो बाइडन आई थिंक इज़ ऑल्सो पॉपुलस्ट लीडर तो सारी दुनिया में एक इसी तरह का ट्रेंड है और

डिफरेंट ऑस्पेक्ट्स इन्वॉल्व होते हैं ना आपकी सोशोलॉजी इन्वॉल्व है आपकी आ, जैसे आप ओवरऑल क्लाइमेट चेंजेज़ हैं वर्ल्ड ग्लोबलाइज हो गई है एआई इंट्रोड्यूस हो गई है तो जिस भी लेवल पे जो भी माशरती सतह पे हो रहा होता है जैसे इससे पहले अगर वो दौर था एम्पीरियल का दौर था तो वो पूरा एक मैसिव चेंज आया ना जब नेशन स्टेट्स आई हैं तो दैट्स लाइक एम्पीरियलिज्म का जो एपिसीम है उस एपिक का दैट्स दैट्स डिफरेंट वहाँ की फिर आपकी ट्रेडिशन आपकी कल्चरल प्रैक्टिस आपकी इंस्टीट्यूशनल इंगेजमेंट आपका जो कंट्री लेवल पे नेरेटिव बिल्डिंग है लैंग्वेज है डिस्कोर्स है वो सब डिफरेंट है और उसी हिसाब से आपकी प्रैक्टिस डिफरेंट हैं उसके साथ यू you नो know, डोली तो पालकी तो वट एवर okay. फिर जैसे आप मॉडर्निज्म uh, की मूवमेंट्स आई मॉडर्निज्म के बाद नेशन स्टेट्स के इंट्रोड्यूस हुए बी so इेलिवेंट um, uh, like, uh, क्योंकि इट विल नॉट मेक एनी डिफरेंस पॉइंट ये है कि uh, कुछ चीज़ें आपको इस लेवल पे सोचनी होती हैं कि ये मेरे कहने और ना कहने से कुछ भी नहीं फर्क पड़ेगा इट इज़ द ट्रूथ इट इज़ द रियलिटी ऑफ 2021, तो ट्वेंटी फर्स्ट सेंचुरी ठीक है तो अब हाँ, इसके अंदर हमने ये देखना है कि हम उसको मोस्टली ह्यूमन बींग्स के लिए पीसफुल और ह्यूमन बींग्स की ग्रोथ जो है उसके लिए किसी भी सिस्टम को एक यू नो आइडियलिज्म तो नहीं हो सकता मगर टू टू रीच टूवर्ड्स इट उसको कैसे बाकी मैं ये नहीं कह सकती कि एक ओवरऑल मैं किसी सिस्टम की बात करूँ कि नहीं नेशन स्टेट नहीं होनी चाहिए थी बल्कि वही बात चाहिए निज़ाम होना चाहिए था वो ज़्यादा सही है क्योंकि सप्रेशन जो है वो हर ज़माने में है वॉयलेंस भी हर जमाने में है जब से ये नेशन स्टेट्स इंट्रोड्यूस हुई हैं तो वॉयलेंस ने स्ट्रक्चर रल फॉर्म ले लिया है ना सो नाउ वी हैव बीन एक्सपोज्ड टू द स्ट्रक्चरल वायलेंस अब वो सारे वायलेंस हो रहे हैं मगर वो इंस्टीट्यूशन लेवल पे हो रहे हैं वो राइट्स की गेम के ऊपर हो रहे हैं कि किसको आपने कैसे राइट्स दिए हुए ब्लैक्स को सिर्फ ब्लैक होने की वजह से सर्टन राइट्स नहीं मिलेंगे औरत को सिर्फ औरत होने की वजह से सर्टन रॉइट्स नहीं मिलेंगे खा असरा को सिर्फ खाज तो ये नेशन स्टेट्स की सारी बीमारियाँ हैं न कि गुड सिटीज़न नेशन स्टेट के आइडिया uh, में क्या है तो मेरे ख्याल से जो सप्रेशन और पावर ये हमेशा से ये डाइकोटमीज़ में ही रहता है और ऐसे ही चलेगा लेकिन पोस्ट मॉडर्निज़म की जो अप्रोच है वो ये कहता है कि डाइकोटमीज़ को ब्रेक करो और चीज़ों को डीकंस्ट्रक्ट करो और चीज़ें जो है वो सर्कुलर और मल्टीप्लिसिटी तो मेरे ख्याल से अब जो है वो कुछ दुनिया में इस किस्म के ममालिक हैं भी डेनमार्क या स्वीडन या इस किस्म के जो

के के तो क्या रास्ते हैं जिसके जरिए लोग जा सकते हैं ओके okay, वैसे मैं मुझे तो ये सवाल जब भी मुझसे कुछ लोग पूछते हैं अक्सर के गाइडलाइन चाहिए तो स्कॉलरशिप का पूछना है वो तो मेरे पास बड़ा एक आंसर होता है कि मुझे असल में एक्सपर्ट ओपिनियन मैं, मैं सिर्फ उसी रास्ते पे दे सकती हूँ जिससे मैं खुद गई हूँ तो उसके अलावा अगर मतलब एक जनरल नॉलेज की बेसिस पे बात करूँ तो ऑफकोर्स इमिग्रेशन के ऑप्शन भी होते हैं वर्क वीजा भी ओपन किए हैं चलिए जर्मनी के हवाले से आपने बात की तो एक नई इन्फॉर्मेशन में तो जर्मनी to to Germany. So Germany ने अभी अपनी जो है वो नई अच्छा। नई फॉरन पॉलिसी के अंदर बहुत सारी चेंजेस अच्छा। लेके आया है वो और रिसेंटली जो है वो उन्होंने एक जर्मन ग्रीन कार्ड इंट्रोड्यूस किया है जिसकी बेसिस पे क्योंकि जर्मन्स को इस वक्त जो है पॉपुलेशन उनकी बहुत कम है और जितनी है भी उसके अंदर ओल्ड एज बहुत ज्यादा है हंड्रेड प्लस 90 प्लस एटी प्लस तो बहुत ज्यादा लोग हैं तो दे नीड यूथ और एनर्जेटिक और यंग और उनको फिर यंग like लाइक okay. like हाँ. <laughs> तो वो बड़ा आसान है फाइव ईयर्स का वो आपको देते हैं वर्क वीजा उनको जाहिर है जरूरी नहीं है कि जैसे इंग्लैंड ने ओपन किए थे तो उस वक्त तो उनको सिर्फ लेबर चाहिए थी और फैक्ट्री वर्कर्स और इस तरह के मगर जर्मनी ने जो है वो इंटेलेक्चुअल लेबर के लिए भी अपने डोर्स ओपन किए nice. जी तो उसमें मतलब अगर आप जैसे जर्मनी के अंदर आपको पता है कि जो बी एमडब्ल्यू म्यूजियम मैंडाड़ियाँ और टेक्नोलॉजी और ये चीजें जो हैं आई डोंट नो इनको कैसे कहते हैं यार ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री एंड यू नो इसके अंदर फिर उसके अलावा आई के अंदर तो इंडियंस तो बहुत ही ज्यादा हैं वहाँ पर और बहुत वेलकमिंग भी हैं तो वो जो फाइव ईयर्स का उन्होंने नई पॉलिसी शुरू की है कि मतलब आपको अगर आप इफ़ यू सिक्योर अ जॉब ओवर देयर तो यू विल गेट द रेजिडेंस परमिट स्ट्रेट फॉर फाइव ईयर्स और फिर nice. जो जर्मन जुबान की जर्मनी के अंदर नेशनैलिटी लेने की है वो भी उन्होंने पाँच साल कर दिया है पहले आठ साल थी अब आप पाँच साल में ले सकते हैं और उसमें भी उन्होंने इतने सारे ऑप्शंस दिए हुए हैं कि इफ़ यू लर्न द जर्मन लैंग्वेज जो कि उसके रिक्वायरमेंट है नेशनलिटी के लिए इफ़ यू पास दैट टेस्ट तो आपके वो पाँच साल भी तीन साल हो जाएंगे तो मतलब इट हैज़ मेड बहुत सारी उसने जो है वो लिनियनसी की है अपनी फॉरेन पॉलिसी के अंदर और यूक्रेनियंस को जैसे उसने बहुत वेलकम किया वो तो चलो वॉर सिचुएशन की वजह से भी किया मगर अब उसने ओवरऑल वर्ल्ड के लिए और उसमें पाकिस्तान इंक्लूडेड है तो मेरे ख्याल से कि अब तो ज़्यादा आसानी हो गई है और डायरेक्ट लोग वर्क वीजे पर जाएँ वहाँ पर और एज ए स्टूडेंट भी आप जा सकते हैं जर्मनी में सबसे अच्छी बात एज ए स्टूडेंट ये है कि एजुकेशन इज़ फ्री तो मतलब अमेरिका यू में एजुकेशन बहुत महंगी है यूनाइटेड किंगडम में एजुकेशन बहुत महंगी है मगर यूरोपियन कंट्रीज़ में जर्मनी में तो एजुकेशन बिल्कुल फ्री है और उसमें आपको सेमेस्टर फी थोड़ी सी देनी होती है और वो जितनी आप देते हैं उसमें भी आपकी पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन कवर हो रही होती है आपको स्टूडेंट कार्ड मिल जाता है बट यू नीड मनी टू लाइक

अच्छा तो आपका मतलब जरा आमदन क्या होगा या आप अपने आप को कैसे मेंटेनेंस अलाउंस आपका जो भी होगा वो okay. कोई अगर स्कॉलरशिप की फॉर्म में है तो अगर मैं उनको मैंने उनको जैसे स्कॉलरशिप लेटर दिखा दिया ना कि येस इट्स बीन अप्रूव्ड एंड आई बीन प्रोवाइडेड फंडिंग और ये इतने सालों की आती रहेगी तो वो लेटर उनके लिए काफ़ी होता है तो इसी तरह से यूजस्ट हैव टू शो दोर फाइनेंस फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्योंकि दे डोंट वॉन्ट बैगर्स या होमलेस पीपल ऑन देयर स्ट्रीट्स दे वांट एवरीबडी टू बी खुद का तो वो एक श्योरिटी होती है अब हमारे यहाँ उसको भी मैनिपुलेट करते हैं पाकिस्तानी के खाला चाचा मामा सारे तो नु कह you, के बैंक में स्टेटमेंटा कटाओ अच्छे दस लाख तुनो ये शो कराओ अस तो सू मु दे सू पहुँचन जर्मनी भाई दैट दस लाख इज़ फॉर यू के यू हैव टू यूज़ इट लेकिन अगर आप वहाँ जाके वैसे तो ज़्यादा शो से भी काम चल जाता है इफ़ यू शो इट वो उसको लॉक कर लेते हैं कि आप उस पैसों को छेड़ नहीं सकते जब तक कि आप उनको अपना वो नहीं दिखा देते जरा आमदन कि अब आप जर्मनी में आ गए और आपकी जॉब है और आपकी इतनी सैलरी है oh, nice. और फिर वो लॉक कर दे अनलॉक कर देते हैं आपका अकाउंट लेकिन बाद जवाब वो लॉक भी नहीं करते वो सिर्फ वो आपके मान लेते हैं पैसे कि हाँ ठीक है आपके पास हैं एंड देन यू गेट वर्क और इट्स वेरी इजी टू गेट वर्क ओवर देयर द हंड्रेड्स ऑफ अपॉर्चुनिटीज फॉर स्टूडेंट्स फॉर एजुकेटेड पीपल फॉर अनएजुकेट पीपल सो बहुत सारी नौकरियाँ यार वहाँ पर और दूसरा ये कि जर्मनी अगर आना है किसी ने तो प्लीज जर्मन जुबान सीख के है

हाँ, 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 हमारी तो उर्दू भी जो है वो पोस्ट पोस्ट क्लोनियल है ना हम तो इस वक्त तो, तो, तो हमारी जो लोकल जुबान है, वो बिल्कुल मर रही है और ये बड़ा इशू पहाड़ी तो का, है, का है या उर्दू का है मैं अभी शायद मेरे लिए शर्म से डूबने का मुकाम है कि मैं आज तक कश्मीर नहीं गया <laughs> कश्मीरियों के लिए भी वैसे पाकिस्तान इज अनादर कंट्री आई थिंक अच्छा बट uh, अच्छा ये भी एक बात है कि हम बड़ा पा, जो पॉपुलरली यूज़ करते हैं टर्म के कश्मीर और कश्मीरी तो इसके अंदर भी मतलब इट इट वाज बेसिकली द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर तो, जम्मु तो जम्मु कश्मीर एक इलाके का नाम है और एक जो वादी है कश्मीर जिसको कहते हैं ना वो बेसिकली श्रीनगर है जो वैली है उसको वैली भी कहते हैं तो एक कश्मीर प्रोविंस था जैसे पाकिस्तान के चार प्रोविंस हैं ना तो उस तरह से कश्मीर के तीन प्रोविंस थे कश्मीर और जम्मू और फ्रंटियर फ्रंटियर, फ्रंटियर, पार्ट नहीं कश्मीर का पार्ट नहीं है ये तो मैं कह रही हूँ बट स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर का पार्ट था स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर तो अठारह में बनी है ना जो अंग्रेजों ने बना के गुलाब सिंह को तोहफे में दे दी या तोहफे में भी उससे खरीदी उन्होंने तो वो तो वो वार एंड सिखों और अंग्रेज़ों के बीच में जो वॉर हो रही थी उसमें सिख हार गए और उनको जो वॉर एंड पड़ी तो उसमें उन्होंने वो कश्मीर दे दिया अंग्रेज़ों को क्या अच्छा, और पता नहीं सालाना इतनी हैं तो इतनी ऊन तो इतने किलो दूध और ये वाली पूरी टेरिटरी तो वो टेरिटरी फिर उन्होंने गुलाब सिंह को उसका बना दिया महाराजा अंग्रेज़ों ने और पैरामाउंट सी वहाँ पे सिस्टम था और मतलब मेन जो है वो जैसे अब है कि हम अभी पाकिस्तान की कॉलोनी है तो उस तरह से उस वक्त हम ब्रिटिश की कॉलोनी ही थे एक किस्म के लेकिन लोकल लेवल पे महाराजा के पास पावर थी मगर उसके ऊपर भी ब्रिटिश रेजिडेंट जैसे हमारे ऊपर पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर होता है तो ये बिल्कुल उसी बिल्कुल तो नहीं कह सकते बट लाइक यू नो मेनली वेरी सिमिलर स्ट्रक्चर तो ये इसलिए जब हम कश्मीर बात करते हैं तो बेसिकली कश्मीरी जो टर्म है उसके बहुत सारे रेफरेंसेस हैं कश्मीरी जुबान बोलने वाले को कश्मीरी कहते हैं जो कश्मीर के इलाके से ताल्लुक रखता है उसको कश्मीरी कहते हैं और जिसका कश्मीरी नस्ल है जो कश्मीरी जैसे एक जात भी है ना बहुत सारी डार है लोन है बट है ये सब कश्मीरी जात है। अच्छा तो पंजाबी नहीं होते बट नहीं अच्छा जात के हवाले से पंजाबी नहीं होते लेकिन अगर पंजाब में रह रहे हैं तो डार भी दार, हाँ डार भी कश्मीर जैसे मतलब कि ये कश्मीरी जैसे मंटो है ना सादत हसन मंटो तो वो कश्मीरी नस्ल था या जैसे मोहम्मद इकबाल को

तो ट्रक चलाने में क्या हर्ज है नहीं, नहीं, ट्रक ट्रकों से ही तो हमारे यहाँ शायरी की तहरीक होती है आपको पता नहीं, नहीं है, है सारी शायराना जो तहरीक है पाकिस्तान के अंदर आजकल खास तौर पे तो वो तो भाई पनपती ट्रकों की गोद में हर हर चीज हर आजकल हाँ ट्रक हाँ की ट्रक के जो वो दिल वाले कबूतर पकड़ के दो कबूतर होते मुंह में मोती आ, से आ, दिल होती हाँ, और उसके पीछे। भी होती, उसके पीछे पीछे भी हम जा रहे हैं पिछले हाँ, सालों से तो वही वो जब तक अब तो हमारी शायरी भी ऐसी है जो पहले हम ट्रकों पे पढ़ते थे तेरिया यादा डिलीट करसा हम बात करे थे वही कि कश्मीर आप उस तरह से बात करें तो इलाकाई जुबानें हैं वहाँ पे तो कश्मीर रीजन में कश्मीरी बोली जाती है या जो कश्मीरी स्पीकिंग लोग उनको कहते हैं जो कश्मीरी बोलते हैं हम लोग हैं पहाड़ी है। और जो आज़ाद कश्मीर है ना इसके अंदर इसको कश्मीर जिस भी रेफरेंस से कहते हैं ये इसका एक ऑफिशियल नाम है क्योंकि ये स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर का पार्ट था तो हमारे पास जो टेरिटोरियली हम ज़्यादा हिस्सा है ना हम जम्मू प्रोविंस का हिस्सा हैं मीरपुर भिम्बर ये जम्मू प्रोविंस में आते हैं कोटली भी जम्मू में आता है और जो पुंछ है ये पुंछ बेसिकली ख़ुद से एक स्टेट थी और ये फिर बाद में ज़म हो गई थी जम्मू प्रोविंस के अंदर तो इसलिए पूछ भी ओवरऑल जम्मू है हमारे पास जो कश्मीर प्रोविंस का हिस्सा है ना आज़ाद कश्मीर के अंदर वो मुजफ्फराबाद है और नीलम और लीपा वैली और ये ये इलाके नीलम का भी कुछ इलाका जो है वो कश्मीर प्रोविंस के अंदर आता था तो इसलिए हमारे यहाँ हमारी इलाकाई ज़ुबान है तो उसमें एक पहाड़ी ज़ुबान है उधर ऊपर शिना जैसे गिलगित में है लेकिन नीलम में भी कुछ इलाक़ों में शिना बोली जाती है तो हम ना ये सॉन्ग्स में अक्सर अगर आपने देखा हो ना हम एक ड्रेस देखते हैं कश्मीरी मर्दों का एक किस्म से कमीज़ होती है एक उनकी एक एक टोपी होती है एक चादर सी होती है हमने ज़्यादातर पाकिस्तान में तो हमें एक और तस्वीर दिखाई जाती है ना कश्मीरियों की वो तो वो नहीं है जो असल में लेकिन इंडिया के कुछ गानों में जिस तरह गाना है अगर तुम बेनकाब आओ तो कयामत वो एक गाना है अच्छा। वो कश्मीर में शूट हुआ मैं आपको उसी वीडियो दिखाऊंगा तो उसमें वो एक ड्रेस होता है एक टोपी होती है तो ये इस साइड पे भी होता था अभी खत्म हो गया या फिर ये सिर्फ उधर ही से बिलोंग करता है ये ड्रेस हाँ क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया कि मुजफ्फराबाद और नीलम का इलाका है ना तो नीलम में भी उसको फेरन कहते हैं फेरन कहते हैं क्या okay. बात कर रहे हैं हाँ तो वो फेरन आ, मर्दों का भी और वो बेसिकली आपको पता है कि लिबास का ताल्लुक इलाके के मौसम के साथ होता yes, है ना yes, yes, तो फिर वहीं yes. से उसको हम कल्चरल लिबास कहना शुरू कर देते हैं तो कुछ सारा कल्चरल भी होता है कि आपकी प्रैक्टिस हैं अगर आप सिलाई कढ़ाई कर रहे हैं या रंग जैसे सहराओं में रंग होते हैं बहुत ज़्यादा रली है रिली है हमारी तो उसमें रंग ही रंग है तो वो फेरन ज़ाहिर बहुत सर्दी होती है कश्मीर वैली में और वो बर्फ़ वो मौसम के अतबार से बना हुआ है वो पहले तो ऊन से बनता था भेड़ों की ऊनों से फिर अब ज़रा उसमें मुख्तलिफ पशमीना का भी है और अब तो जरा हर तरह के कपड़े में आ गया मगर वो सर्दी रोकने के लिए खद्दर अच्छा। मोटा और फिर वो इतना बड़ा होता है और उसके अंदर एक स्पेस होती है जिसको हम कहते हैं उसमें हम रख सकते हैं कांगड़ी तो कांगड़ी एक ऐसी चीज़ होती है जिसके अंदर कोयले डालते हैं वो कोयले के लिए जलते हुए कोयले कपड़ों अच्छा कांगड़ी में डालते हैं आप और कांगड़ी को आपने फेरन के अंदर रखना होता है सो so इट्स चलता फिरता हीटर चलता फिरता हीटर ये yes. तो ये वो, वो ट्रेडिशनल लिबास है कश्मीर वैली का तो इसीलिए अगर जो फॉर एग्जांपल अगर आप इंडियन फिल्म इंडस्ट्री की बात करें तो वहाँ पे भी एक पॉपुलर रिप्रजेंटेशन uh, है ना कि इट्स लाइक एज इफ वो मुझे मीरदू राय की uh, एक छोटी सी कोटेशन याद आ रही है वो हमेशा मैं उसको कोट करती हूँ कि कश्मीर की ट्रीटमेंट इस तरह की है कि इट्स द लैंडस्केप विदाउट पीपल उसको ट्रीट ऐसे किया जाता है क्योंकि कश्मीरी वॉइस तो नहीं आपको नज़र आएगी किसी भी ना तो इंडिया तो नज़र आते हैं एग्जैक्टली है, exactly. तो वो लैंडस्केप की एक रिप्रेजेंटेशन है टूरिस्टिक परस्पेक्टिव से जैसे हमारे यहाँ नॉर्दर्न इलाकों की भी है और गिलगित की भी इसी तरह से है हमारे आजाद कश्मीर की भी इसी तरह से है तो ये तो एक फैंटसी फैंटास्टिकल रिप्रेजेंटेशन है ना जिसमें आप कहते हैं कि कल्चर है तो जिसके नाम पे फिर आप ये कल्चरल डे मनाते हैं तो हाउ डू यू रेट द डिफरेंस बिटवीन बॉलीवुड एंड पाकिस्तानी ड्रामाज और फिल्म के उसमें जो दिखाई जाती है पिक्चर कश्मीरी हो गए या पंजाबी हो गए या सिख हो गए या फिर हमारे ड्रामे देखें आप उसमें जो दिखाए जाते हैं हमें क्लास दिखाई जाती है उसमें ये भी दिखाया जाता है कि जिस लड़की ने दुपट्टा पहना है वो बड़ी अच्छा किरदार है उसको, और जिसका जिसके बाल खुले हैं वो बद किरदार है इस तरह की जो चीज़ें दिखाई जाती है मतलब रेट इट कि यहाँ पिक्चर है वहाँ एक्चुअल पिक्चर है अब ये भी इमरान मेरे हाल से तो डिपेंड यही कर रहा है कि वो कि राइटर कौन है स्क्रिप्ट राइटर कौन है और दूसरा ये कि किस चैनल

तो एनी वेज पीपल नो तो पॉपुलर ज़रा बिकता है हर जगह पर और फिर दूसरा ये कि हमारे यहाँ एक जो कल्चरल प्रैक्टिस हैं या जो नॉर्म है या जो हमारा पॉपुलर कल्चर है यार जिसमें यही है कि पाकबाज औरत वही है जिसने सर पे दुपट्टे लिए हुए हैं जो ऊंची बात से बात नहीं करेगी जो सवाल नहीं कर सकती जो बाहर नहीं निकल सकती जो घर के अंदर चार दीवारी में बंद है और नेक प्रवीण किचन संभालती है हाँ किचन संभालती है और यू नो एक जो बड़ा बनाती है, एग्जैक्टली तो जब आपने कंपेरेटिव उसकी की बात की है तो मेरे ख्याल से इट्स इंडियन सोसाइटी बहुत ज़्यादा डे डियव, डाइवर्स है वहाँ बहुत ज़बानें हैं वहाँ बहुत है और इंडियन फिल्म इंडस्ट्री में हमने बहुत अच्छे काम होते हुए भी देखे हैं जो बड़े बोल्ड काम भी हैं और वहाँ पे भी ज़ाहिर है हुकूमतों के साथ साथ तो चलता रहता है लेकिन उनका मेरे ख्याल से फिल्म इंडस्ट्री इज़ नॉट ऑलवेज़ नॉट नॉट एट ऑल ऑलवेज़ रिप्रोड्यूसिंग द स्टेट नारेटिव वो बड़ा चैलेंजिंग भी आता है उनकी बहुत सारी जो आर्ट फिल्म्स हैं और खास तौर पे जो हैदर कश्मीर के हवाले से उनकी फिल्म है उसमें भी उन्होंने बड़ा बोल्डली जो है वो पोर्ट्रे किया है hmm. कश्मीर की एक पिक्चर को लेकिन जो उनकी भी पॉपुलर हैं वो तो हैं ना जिसमें वो कश्मीर की कली है और उसमें वो ये है कि कश्मीरी औरतें खूबसूरत होती हैं और कश्मीर की वादियाँ बहुत खूबसूरत है और एक बड़ा रोमांटिसाइज किस्म का वर्जन है ना कि एज इफ इट्स इट्स अ फेरी लैंड इट्स अ फैंटेस्टिकल लैंड और वो जो एक पैराडाइज ऑन अर्थ वाली रिप्रेजेंटेशन है सो so दैट्स ये सारी बेसिकली गोरों से शुरू हुई हुई है सो इट वॉज दैट फर्स्ट पर्सन अलेग्जेंडर उसका नाम था मेरे ख्याल से ये अपना अलेक्जेंडर सिकंदर नहीं दूसरा कोई तो उसने जो पहले किताब लिखी है कि ये लोग अपनी डायरीज लिखते थे ना गोरे जब इधर आते थे सैर करने तो फिर ये वहाँ जाके वो जो इनको एक एक्जॉटिसिजम uh, फील होता है हमसे और साउथ एशियन एक्सोटिसज और ईस्टर्न एक्सोटिसम दैन दे रिप्रोड्यूस दीज स्टोरीज इन दैन दे क्रिएटेड के जैसे वो कोई फैसिनेशन है और बट आवर एवरी डे लाइफ इज़ वेरी डिफ़िकल्ट जब वो तो फिल्मों में लगता है, है। हाँ, स्लो मोशन में बर्फ बरस रही है तो फेरन वाली खूबसूरत औरतें हैं झूमर लगा के उनसे पूछें जब वो गीली लकड़ियाँ चूल्हे में डाल के उनकी आंखों से आंसू निकल रहे होते हैं और उन्हीं पे उन्होंने पकानी होती हैं चीज़ें और खांसी लग रही है और कमरे में बिजली नहीं है और वो क्योंकि आई हैव लिव्ड थ्रू ऑल दीज थिंग्स ना सो इट लुक्स डिफरेंट ऑन कैमरा में तो आपको पता ही है कि हमें कैसे दिखाते हैं कैमरा पे आप लोगों को तो ऐसे दिखाते हैं कि कश्मीर जल रहा है वादी कश्मीर में जुल्म हो रहा है। नहीं मैं तो इसके कश्मीर की बात नहीं कर रहा मैं अपनी बात कर रहा हूँ पख्तुन ख्वाह को, को पश्तूनों को कैसे दिखाते हैं ड्रामो में फिल्मों में ट्रक ट्रक वाला वाला हम दिखाते हैं ट्रक आ, वाला, वाला है। आ, वो जो बोल हाँ, तो अच्छा, वो वो एक है ना और उसके अंदर यही वाला की ये तो थ्रेट है थ्रेटनिंग है इनको देख के आपने बस दहशत गर्द और बड़े एक्सट्रीमिस्ट या फिर आप लोगों के बारे में जो है मेनली के गेज होते हैं और हाँ बंदे बंदे जो हैं वो इनको तो और तो में इंटरेस्ट नहीं है और फिर इस किस्म के जोक्स भी हैं ना हमारी सारी हम है। तो <laughs> पैगाम पे, पे पहुंचा देखिये तो बहुत सारे लड़के शायद अनफॉलो कर दे इस बात पे मुझे मैं बोलना मैं बोलना चाहूंगा पहला तो अनफॉलोर ही आ गया मैं बोलना चाहूंगा मैंने मेहरब का पॉडकास्ट किया था Hmm. और उस पॉडकास्ट के बाद मुझे डूड्स ने बहुत अप्रोच किया। अच्छा। मगर मैंने उनको पता मैं एक रिप्लाई लिखता था उनको नीचे ना रिप्लाई में तो अभी आप उसमें नीचे ये लिखा था आई लाइक गे पीपल बिकॉज लीव अ फॉर अस एंड टेक एक, एक बंदा भी साथ लेके जाते हैं और एक लड़की भी छोड़ जाते हैं हमारे तो इसीलिए मुझे गे बहुत अच्छे लगते हैं

और दूसरा ये कि जो उनकी पोलिटिकल सेंस है ना या पोलिटिकल इनसाइट है आ, वेरी आ, टू में, किस सेंस में है पंजाबीज के साथ हुआ है, दे है। तो <laughs> इमरान खान तो ऊपर से वो तो पूरा एक यूनिफाइंग वो तो एक परचम के साय उसने सबको एक कर लिया तो अब मसला ये हो गया कि वो उसके परचम का रंग मुख्तलिफ है वरना चाहते तो सब यही है कि एक परचम के तले हो जाए तो बस उसमें एक रंग उस पर चमक है और एक रंग डिफरेंट है हाँ, हाँ। exactly. तो दरअसल हम हम ना वो आपने कहा था ना कि पॉडकास्ट में आप अपने डिस्ट्रिक्ट के बारे में भी थोड़ा बताएं कि कैसे डिफरेंट है बुनेर इज माई डिस्ट्रिक्ट बुनेर हाँ, हाँ, यस यस, यस तो, यस, तो वो हाँ। बुनेर में ये ना कि बुनेर इज वे, वे डिफरेंट दैन द रेस्ट ऑफ खैबर पख्तुनखा और अफगानिस्तान बुनेर में ये कि बुनेर में अभी इलेक्शन जो हुए थे उसमें हमने एक हिंदू लड़की को एस पीपल्स पार्टी ने टिकट दिया था और वहाँ से इलेक्शन कंटेस्ट किया उसने और उसको गालिबा दो हज़ार से तीन हज़ार वोट भी पड़ा है और वो मौलवियों के हलकों में जा के वहाँ पर कैंपेन करती थी और मौलवी भी उन्हें इस तरह से एक पिक्चर बड़ी आई थी ट्विटर पर ये लगा देंगे साइट पर कहीं उस पर वो जो जो जे यू आई का कैंडिडेट होता है वो उसको सलाम करते हैं दोनों एक दूसरे को ग्रीट करते हैं और वो फिर जाके मिलते हैं बातचीत करते हैं इसके अलावा गुरुद्वारा है वहाँ पर लड़की का सवेरा प्रकाश I think I, I, दो तीन गुरुद्वारे हैं एक, uh, जो है ना हिंदू फैमिली भी है वहाँ पे uh, सिख भी रहते है वहाँ पे उनका वही टूर्बन नॉर्मल वाला जिस तरह होता है वो पहनते हैं अच्छा। वही इसी तरह दाड़ी ये नहीं की हमारे बीच में आके हम जैसे हो गए

वो एक दूसरे के साथ बहुत ज्यादा लाइक फ्रेंडली और बहुत ज्यादा दोस्ताना माहौल लोगों का आपस में आपको आप कहीं भी रुके ना किसी से पूछे यार वो पुरानी जगह का रास्ता किधर से जाता है वो आपसे कहीं सीधा जाए मगर आके पहले चाय पी के पीके जाएं। अच्छा अब वो दिल से कह रहा है दिल से नहीं कह रहा बट उनका जो रवैया है ना जो उन्होंने चीज़ें सीखी हैं अपने बड़ों से वो जो चीजें चलती आ रही है उनके बीच में वो बहुत ज्यादा दूसरा जो बिजनेस है ना उसका बड़ा किरदार है इसमें सिखों का बिजनेस है वहाँ पे जो स्वीट्स की दुकान है जितनी वो सारे सिख हैं फिर हिंदू जो दो चार मकैनिक बड़े नामी ग्रामी वो हिंदू हैं वहाँ पे तो ये ये चीज़ भी बड़ी वो करती है लोगों में दूसरा मेरे ख्याल से हमारे लोग जो है ना उनके अंदर एक मजहबी मजहबीत पसंदी पाई जाती है ऐसा भी नहीं है मगर उस लेवल पे नहीं पाई जाती कि वो जाके किसी की जिंदगी खतरे में डाले या किसी को उसके जीने का हक ना दे यू you नो know? तो मुझे ऐसे भी लग जैसे इट्स इट्स न्यू इन्फॉर्मेशन फॉर मी के मेरे जहन में भी जैसे है ना बड़ा एक वो मीडिया वाली अंडरस्टैंडिंग टाइप के अच्छा हिंदूज़ की मेजोरिटी पाकिस्तान के अंदर मतलब हैं तो माइनॉरिटी में ही लेकिन ज़्यादातर जो हैं वो उधर थर में रह रहे हैं और सिंध के अंदर हैं या हैदराबाद में हैं उसमें कोई शक नहीं है कि हिंदुओं की ज़िंदगी पाकिस्तान में जीरन है ये अगर कोई ये बात करता है तो वो एक स्टेट जो पाकिस्तानी रियासत का भी नरेटिव है ना कि यहाँ पे तो बड़े खुश हैं सारे भाई कोई खुश नहीं है मैं अगर कहूँ लोगों से मैंने सवेरा का पॉडकास्ट भी किया था और मुझे नीचे हिंदू जो मेरे एक्टिविस्ट दोस्त थे वो लिख भी रहे थे कि यार ये एक केस प्रमोट करके तुम क्या चाहते हो hmm. मैंने कहा मैं स्टेट नरेटिव हरगिज़ प्रमोट नहीं करना चाह रहा मैं सिर्फ अपने जो मेरा डिस्ट्रिक्ट है या जो मेरा ज़िला है या जो मेरा गाँव है मैं चाह रहा हूँ उसको एक नॉलेज करूँगा यार ये चीज़ है बट अगेन मैं हर गिज़ डिसमेंटल नहीं कर रहा कि हिंदुओं के साथ पाकिस्तान में बुरा नहीं होता बिल्कुल मंदिरों जलाए जाते हैं ये इस्लामाबाद ईसाइयों के साथ भी इस्लाम हाँ ईसाइयों हाँ। के साथ भी होता है आपका एम के साथ भी होता है हाँ, हाँ, आप दे दे हाँ, भी। तो आप देखें ना इस्लामाबाद जैसा शहर जो की आप आपके एक अर्बन क्लास रहती है ठीक है ना यहाँ पे एक मंदिर बन रहा था सी डी ए अप्रूव किया था उसके लिए जमीन भी एलोकेट हुई थी उसके लिए फंड्स भी एलोकेट हुए थे और उस पे दस बारह मोल यहाँ मंदिर नहीं बनेगा इस्लामाबाद में मंदिर कहाँ से बनने देंगे वो नहीं बना तो बिल्कुल और नहीं, मैं मुझे भी ये लगता है कि जो हमारी रीजनल लेवल पे ना वो टॉलरेंस है और रीजनल लेवल पे है हाँ। रियासती मशीनरी से लोग जितना बचे हैं ना हाँ। इतना वहाँ पे चीजें अभी भी पुरानी हालत में है जहाँ पे रियासत का एक्सेस ज्यादा है हाँ। अब ये चीजें तबाह हो गई हैं और मुझे ये भी लगता है कि रियासत का एक्सेस भी यू नो इट्स लाइक इन फॉर्म ऑफ मौलवी इन फॉर्म ऑफ यू नो बोथ सिचुएशंस जो, जो रियासत का नैरेटिव प्रमोट करते हैं उनको सबसे इजीली तो होता है ना सबसे पहले तो वो मुल्लाओं को अपनी तरफ कर haan, लेते Malvi हैं तो फिर जब एक तकरीर होली प्लेस से हो रही है जुम्मे के दौरान खुतबा हो रहा है मस्जिद से और फिर उसी को आप इजमाही दुआ रमज़ान में करवा रहे हैं इस किस्म के लोगों से तो वो फिर उनकी बात को ना लोग होली समझ के तो वो फिर बात दोबारा वहीं से आ जाती है कि हमारे यहाँ रिलीजन का खौफ है ना ख़ौफ़ के थ्रू रिलीजन को बीच में डाला हुआ और हर इंसान को अपना वो पड़ जाता है कि जी अल्लाह इस बात का मुझे वो करेगा सज़ा देगा या पता नहीं क्या हो जाएगा तो मैं मेरे हाल से क्यों ही करूँ तो मेरे हाल से यही ये जो एक ब्लाइंड फॉलोइंग है स्टेट लेवल uh, पे बट इमरान मेरा इस पे आपसे एक क्वेश्चन है कि वट्स द पॉइंट वाई वुड स्टेट वॉन्ट इट दिस काइंड ऑफ केस ऑल द टाइम क्योंकि स्टेट बेसिकली ने अगर खून ही चूसना है और सारे रिसोर्सेस अपने पास रखने है या अपने खजाने भरने या पावर में रहना है जो भी हमने उनके साथ बातें लगाई होती हैं कि स्टेट ये चाह रही है तो उस वजह से जब आप अपने आवाम को हकूक नहीं दे रहे जब आप अपने मुल्क में उसको इकोनॉमिकली स्टेबल नहीं कर रहे जब आप उसकी फॉरन पॉलिसीज को उस तरह से कि दुनिया में आपकी कोई अच्छे रिलेशनशिप नहीं है करप्शन में आप इतने टॉप वाले नंबर्स पे हैं ये वो तो ओवरऑल लाइक इज़ द पॉइंट ओके उसमें उनको गेन क्या हो रहा है एक कलेक्टिव लेवल पे इंडिविजुअली तो हो रहा होगा आपके विलाज खड़े हो जाएंगे आपके प्लॉट बन जाएंगे आपके खजाने भर जाएंगे बट ओके okay, तो मेरे ख्याल से ये सवाल बड़ा सिंपली साउंड करता है बट इतना नहीं है मगर मैं इसको इतना ऐड करना चाहूंगा कि एक तो इन्होंने ये क्या कि कॉलोनियल पॉलिसीज़ को कंटिन्यू पॉलिस किया ठीक है क्योंकि जो लोग ब्रिटिश आर्मी में थे और वहाँ के धावे बोलते थे अपने इलाकों पे उनके साथ मिलके हमले करते थे लूटते थे yes. वही लोग पाकिस्तान बनने के बाद आके इधर कोई ब्रिगेडियर लग गया कोई कर्नल लग गया कोई मतलब यू you नो know, इस में आ गए फिर उनके चाचा भाई वगैरह वगैरह वो जो जो क्लास जो अंग्रेज इलीड बना के गया था उसने आके यहाँ पे सियासत का दामन पकड़ा कोई ब्यूरोसी में गए कोई जुडिशरी में गए एक तो वो माइंड आ गया आपके मशीनरी में फिर ये चाहते क्यों इस तरह से सवाल ये है ना आपने ये सवाल है कि ये क्यों चाहेंगे कि ये सारी चीज़ें ऐसे ही हों मुझे लगता है कि आपकी जो एक एक या दो परसेंट इलीट है जो कि अंग्रेज़ बना के गया था वो ग्रो हुई है और या आज इस पर पहुँची है वो नहीं चाहती कि अमूल बैंक्रप्ट भी हो वो नहीं चाहते कि मुल्क स्टेबल भी हो क्योंकि बेसिकली क्या हो रहा है यहाँ की जो गरीब क्लास है वो तो अमीर को पाल रही है ना यहाँ पे तो ये सारी जंग इसी की है अब को क्योस में रखेंगे अब क्योस में रखने का जो सबसे आसान जरिया है ना वो है यार को एग्जिस्टेंस खत्म करना हुँ, हुँ. वो हर एक प्लेटफॉर्म जो लोगों को वो, लोगो, वो हर प्लेटफॉर्म जो लोगों को एक, एक प्रोवाइड करे उस पाबंदी है यहाँ पे हुँ. चाहे म्यूजिक हो yes. चाहे वो न्यू ईयर पार्टी हो हुँ. चाहे वो न्यू ईयर सेलिब्रेशन हो आपको पता है चाहे बसंत हो चाहे अतरण हो चाहे कल्चरल सेलिब्रेशन हो चाहे चौदह अगस्त हो चौदह अगस्त पे डबल सवारी पे पाबंदी लगती है और चवालीस लगता है क्यों ताकि कोई पीटीआई का झंडा ना लिया चौदह अगस्त में ताकि कोई अपनी सियासी पार्टी का झंडा ना लिया चौदह अगस्त में ताकि कोई यहाँ पे आके नारे ना मारे स्टेट के खिलाफ या उन लोगों के खिलाफ जो रियासत चला रहे हैं, तो है आपका। उनको आपका आपका है। यही है उसमें कि को एग्जिस्टेंस और यूनिफिकेशन में बड़ा फर्क है ना यूनाइटेड सब लोग जम हो जाएं उसके अंदर और अपनी जो आपकी रीजनल पहचान है वो को जान या वो कि आप अपनी के साथ फिर उसमें है। आपके resources हैं जिसपे भी कब्जा होता है वो भी लेके जाते हैं ठीक है ना आप एक चीज याद रहे जहाँ पे बदमनी होगी वहां पे नेचुरल रिसोर्स होंगे पाकिस्तान में जहाँ पे जमीन के अंदर या जमीन के ऊपर अगर कोई कीमती चीज पड़ी है वहाँ पे बदमनी होगी क्यों क्योंकि जो आपकी लीट है जो आप जिसको वो चाहिए वो चीज़ वो वहाँ पे कोई ऐसा प्रॉपर सिस्टम आपका नहीं पड़ा हुआ कि वो जाके वो चीज खरीद के लेके जाए और उसको बेचे वो उसको बदमनी के जरिए जाके उस पर कब्जा करेगा और उसको इलीगली वहां से लेके जाएगा तो आपका कश्मीर से लेकर कर कराची के साहिल तक ये हो रहा है जी। yes, yeah, you're right, okay. आपका मसला मैंने यकीन करें पॉडकास्ट किए ना इतने सारे और मैंने इतनी इंटरेक्शन की इतनी सारी जगहों में गया मैं बैठा मेरे पास इतना इलम नहीं है बट मुझे मेरा सारा कंक्लूजन जो है ना जहाँ तक चीजें मुझे पता है कि पाकिस्तान का असल मसला उसकी लीड क्लास है ओके okay. यस और इनके बच्चे और इनके बच्चे ये शुकर जो मैं नहीं शुक्र है हम भी नहीं है।, <laughs> नहीं है मगर इनके बच्चे वो अपने पेरेंट्स से भी दो कदम आ गए इनके माँ बाप इस मुल्क को इस दहाने पे ले आए और इनके बच्चे एक्सचेंज प्रोग्राम्स में इसी चीज को कैश करते हैं पाकिस्तान सच सच इन, इन सच वर्स कंडीशन एंड एंड आई वांट टू कम, वां कम इंप्रूव मैं कंट्री। हा, हा, हा। लेकिन मैं बात पता <laughs> जो प्रोग्राम्स का तो मुझे नहीं पता मगर स्कॉलरशिप पे तो सारे गरीब जाते हैं यार कहाँ जाते हैं ये आपसे किसने का पिछले दो तीन सालों में मेरी एक दोस्त जो कि उसमें काम करती है आ, उसको यू बोलते हैं क्या बोलते हैं अब करती थी अभी नहीं करती युण पिछले साल से? नहीं नहीं हाँ। यूनाइटेड स्टेट्स एजुकेशनल फाउंडेशन जो कि एक्सचेंज प्रोग्राम को सारे उनके एप्लीकेशन और अच्छा, सारी चीज़ें डील करती हैं यहाँ हाँ पे थे, थे, थे। उन्होंने कोई डेढ़ सौ बच्चा सेलेक्ट किया पिछले साल डेढ़ सौ बच्चों में से नाइन्टी फाइव परसेंट बच्चों को यूएस एस एम्बेसी ने वीज़ा दिए बाकियों को नहीं दिए फिफ्टी लोगों को क्यों नहीं दिए क्योंकि उन सब का ताल्लुक पब्लिक यूनिवर्सिटी से था आई सी ठीक है और उनको दिया जो लम्स आई या फिर बड़ी यूनिवर्सिटी से एन या इधर से पढ़े थे hmm. क्योंकि गोरव को पता है ये आएगा hmm. ये यहाँ रहे भी तो हमें मसला नहीं है क्योंकि ये ऐसी यूनिवर्सिटी से है जहाँ का माहौल हमारे मुल्क जैसा है hmm. यहाँ पे इकोनॉमी पर बोझ नहीं मरे पड़ेगा हालांकि कैपेबल सारे एक दूसरे के एक जैसे ही है क्योंकि सब ने वो प्रोसेस पास किया है ना जो एप्लीकेशन था इनका मगर वीजा इनको मिले यूरोप इस मामले में डिस्क्रिमिनेशन नहीं करता वो फिर भी गरीबों को जाने देता है या यूके भी ऐसे ही करता है exactly, क्योंकि उनके मेरिट uh, ना चीजें हाँ. क्योंकि यूरोप तो रिकॉग्नाइज ही नहीं करता इस बेसिस पे कि अच्छा जी आप गवर्नमेंट कॉलेज के हैं या आप एनडीयू के हैं कि आप मस्ट के हैं उनका जो अपना एक क्राइटेरिया है कि आपके इतने परसेंट इसमें होंगे मतलब स्कॉलरशिप्स की बात करें और जो जर्मनी की ज्यादा बात करूंगी डार्ड जो है वहां का तो वो उनमें परसेंटेज होती है आपके मैट्रिक के नंबर की भी और इंटरमीडिएट की भी और फिर बी एस सी का आपका जी यू नो लाइक आपकी एजुकेशनल परफॉर्मेंस की बेसिस पे वो बनता है बट लाइक फ्रॉम विच सो एवर यूनिवर्सिटी इक्विवेलेंट सर्टिफिकेट बनवाना पड़ता है और उसके लिए इतना ही काफी है कि वो यूनिवर्सिटी पाकिस्तान के अंदर हायर एजुकेशन कमीशन से सर्टिफाइड या अप्रूवड हो

तो 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 जिसमे जो लोग बैठे हुए है होते हैं ना इमेसी में स्टाफ जो होता, हुँ। हुँ। होता है वो सिलेक्ट करता है उसमें ये लेके जाते हैं गरीब मतलब कोई गाँव देहात से जर्नलिस्ट या उठा के लेके जाते हैं तीस दिन के लिए और उसकी तस्वीर लगाते हैं अपने पेज के पर इनकी पीआर की की टीम की। देखें ये हम तो ऐसे बच्चे को लेके गए उधर hmm. तो इनका बड़ा क्लासिस्ट सीन है Overall, मेरे है लगता ये, ये फिर बहुत लंबी बहस हो जाएगी और पीछे चल जाएगी इसमें मतलब लाइक जब से अगर आई हैं इंट्रोडिया के खिलाफ हूँ ये सब कुछ मगर कुछ आपको हकीकते हैं नज़रियाती तौर पे हम कुछ और सोच रहे होते हैं मगर प्रैक्टिकल रियलिटी यू हैव टू लिव थ्रू इट ना सो so हमें आ, प्रैक्टिकल होकर चलना भी पड़ता है इस दुनिया में तो मेरे ख्याल से मैं तो डेमोक्रेटाइजेशन ऑफ एजुकेशन के खिलाफ हूँ बिकॉज इट्स उसकी वजह से ये जो सेमेस्टर सिस्टम्स आ गए एक्सेस ऑफ एजुकेशन टू एवरीबाडी सो एवर इज़ पीपल आर नॉट इंटरेस्टेड इन गेटिंग एजुकेटेड इट्स इट्स अ रेस डिग्री

लाइक like, सब ले रहे थे मेरे सारे दोस्त एडमिशन ले रहे थे मैंने कहा मैं भी ले लूँ सो पीपल डोंट हैव दैट सेंस और इट्स नॉट ओनली अबाउट पाकिस्तान ओवरऑल पूरी दुनिया की बात कर रही करी हूं. मैं मतलब एक एजुकेशन सेक्टर या एकेडेमिया या उस सारे किसी में तो वो हम पता नहीं ये बात कहाँ से शुरू हुई थी कि स्कॉलरशिप्स गरीबों को मिलते हैं कि अमीरों को मिलते हैं लेकिन मुझे भी यही लग रहा है कि इट्स बिकम लाइक इन इंडस्ट्री एजुकेशन इज ऑल्सो एन इंडस्ट्री तो या नो डाउट हम तो सरकारी में पढ़े स्कूल में कॉलेज में

Uh, for being part of uh, the northern podcast thanks to you for inviting and you know providing me this space jahan pe hum itne khul ke ye sari baatein kar sakte hain और मेरे लिए ये भी एक ऑनर की बात है कि ये आपके सीजन टू की पहली एपिसोड है

नहीं नहीं इसके बारे में किसी और के साथ किसी और पटका में बात करेगा <laughs> sure, yes, आपके साथ नहीं क्योंकि आप तो खुद जो है ना कश्मीर से हैं तो ऐसे नहीं हालात आपके लिए खराब आप हो जाए थैंक यू वेरी मच इन सीस्ट वन